मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन बहुत औसत दर्जे का, वो भी बीएससी मैंने किया। तो मेरा विज्ञान का भी अध्ययन बहुत बढ़िया नहीं है, अधूरा है, और जीवन विद्या का भी अध्ययन चल रहा है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा विज्ञान से ज्यादा मैंने काम किया है। तो इसके साथ मैं रखता हूँ अपनी बात को, ठीक है। और आज जो चैप्टर है बल शक्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और पूरा विज्ञान इसमें हजारों साल से जूझ रहा है इसको समझने के लिए, और बहुत सारा इसमें प्रयास हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्रेस हुए हैं, और अभी बहुत सारा लगता है कि उनको समझना है। बाबा जी जब यहां बात कर रहे हैं तो उस रूप में कह रहे हैं कि पूरी बात को समझा जा चुका है, ठीक है। तो लगभग सभी लोग आ गए हैं और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं थोड़ा सा उसका रूपरेखा भी रखूंगा, और अपनी तरफ से जो क्लेरिफिकेशन होगा उसको मैं रखूंगा, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रखना। आवाज सबको आ रही होगी ठीक से? कोई एक व्यक्ति लिख दे कि आवाज आ रही है ठीक से तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो जी बढ़िया। तो बल शक्ति स्थिति गति, इसकी शुरुआत करते हैं। एक पूरा एक ओवरऑल एक मोटा मोटा हमको व्यू लेना चाहिए कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, है ना। बाबा जी जब कह रहे हैं सहस्तित्व, तो सहस्तित्व में एक तो व्यापक वस्तु है जो स्थिति पूर्ण है, और दूसरी है प्रकृति जो स्थितिशील है। स्थिति पूर्ण का मतलब है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, इसमें कोई स्थानांतरण नहीं होता है। और जब हम स्थितिशील कह रहे हैं तो वो परिवर्तनशील है, उसके अंदर स्थानांतरण होता है। ये जो स्थितिशील प्रकृति है व्यापक में संपृक्त होने के कारण ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता के कारण क्या है उसके अंदर? क्रियाशीलता है। ये जो क्रियाशीलता है, वो क्रियाशीलता हमको तीन रूपों में दिखाई देता है। एक तो जड़ क्रिया के रूप में, एक भौतिक क्रिया के रूप में, दूसरा रासायनिक क्रिया के रूप में, तीसरा जीवन क्रिया के रूप में। ये जो भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया है, इसी के तीनों के क्रियाओं के संयोग के साथ ही चार अवस्थाओं का प्रकटन है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और इस तरह से हम पूरे सहस्तित्व का वैभव देखते हैं। अब हम आते हैं, छोटी सी बात शुरू करते हैं यहाँ पे, कि जब हम बल और शक्ति कह रहे हैं तो उसको किसको हम बल कह रहे हैं, किसको शक्ति कह रहे हैं, क्या स्थिति है और क्या गति है, किसको हम कह रहे हैं। तो कोई भी इकाई है, वो इकाई अगर सबसे छोटी जो मूल इकाई है उसको हम परमाणु के रूप में पहचान रहे हैं। जो परमाणु है वो परमाणु अंशों से बना हुआ है। जो परमाणु अंश है वो व्यापक में भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, घिरा हुआ है। तो व्यापक में संपृक्त रहने से, उसमें भीगे रहने से वो ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता बस क्या उसके अंदर हुआ? उसके अंदर एक बल संपन्नता है। ये जो बल संपन्नता है वो चुंबकीय बल के रूप में है। चुंबकीय बल का क्या मतलब है कि जब कोई इकाई है, अंश है, अंश जब व्यापक में भीगा है, ऊर्जित है, तो ऊर्जा के साथ उसमें क्या हुआ कि उसके चारों तरफ एक इकाई और इस इकाई के चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र बनता है। ये जो प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रभाव है, जैसे व्यापक है, विकृत नहीं होता है, वैसे ये जो प्रभाव क्षेत्र है वो हमेशा इकाई के चारों ओर बना रहता है। ये जो प्रभाव क्षेत्र है वो एक स्थिति के रूप में है, ठीक है। ये जो इकाई है, ऊर्जित है, जिसका एक प्रभाव क्षेत्र है, ऊर्जित होने के कारण, उसके अंदर बल होने के कारण चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल के साथ ही उसके अंदर क्रिया भी है। तो जो क्रियाएं हैं वो मूल रूप से घूर्णन गति करता है। तो दो अंश एक दूसरे का जो प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र के कारण दो अंश एक दूसरे को पहचानते हैं। पहचानने का कारण क्या हुआ? प्रभाव क्षेत्र। ये जो प्रभाव क्षेत्र है उससे पहचान हुई, और पहचान के साथ दोनों का साथ में होना हुआ।
अब यहाँ पे गति किस रूप में देख रहे हैं, गति हो रहा है एक घूर्णन गति हुआ और दूसरा है वर्तुलात्मक गति, और इन दोनों के संयोग से एक और गति है वो है कंपनात्मक गति। तो इस तरह से परमाणु में तीन गतियां हम देख सकते हैं, घूर्णन, वर्तुल और कंपनात्मक। इन तीनों के साथ ही परमाणु के अंदर एक निश्चित आचरण हम देखते हैं, जबकि हम जब एक अंश को देख रहे हैं तो उसके अंदर केवल घूर्णन गति है, वर्तुलात्मक गति तभी आ रही है जब दूसरा अंश उसके साथ है, और उस परमाणु के अंदर जब दो अंश मिल गए उस परमाणु के अंदर स्थिरता तब हो रही है जब 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 दोनों साथ मिलकर के कोई आचरण कर रहे हैं, और उसके अंदर कंपनात्मक गति है, वहां कंपनात्मक गति मूल रूप से उसकी स्थिरता को बताती है। तो इस तरह से एक परमाणु के अंदर व्यवस्था, व्यवस्था का जो स्वरूप है वो दो अंशों का, मिनिमम दो अंशों के मिलकर के एक व्यवस्था है। तो फिर से बताता हूं कि जो प्रभाव क्षेत्र उसको बल कह रहे हैं, गति के रूप में देख रहे हैं तो घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति, कंपनात्मक गति। एक अंश अपने में व्यवस्था नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी जो गति है वो निश्चित नहीं है। गति की निश्चितता तभी हो रही है जब तीनों गतियां उसके साथ है, घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति और कंपनात्मक गति। उसी के साथ एक आचरण की बात आ रही है, आचरण का मतलब है कि तभी वो इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार हो पा रही है। तो इस रूप में हम देखते हैं, तो इकाई के अंदर जब हम इकाई कह रहे हैं तो मूल रूप से परमाणु को इकाई कह रहे हैं, अंश को इकाई के रूप में नहीं पहचान रहे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं और जो जो टेक्निकल वर्ड आएंगे उसको हम आपके सामने रखते हैं। हम मानव विगत से बल और शक्ति के बारे में बहुत सारे अनुमान लगाते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान युग आने के बाद शक्ति के बारे में और निष्कर्ष निकालने का प्रयोग किया गया, अभी तक पूर्ण निष्कर्ष विज्ञान विधा से निकला नहीं, मानवीयता के लिए कुछ निकला नहीं, यह विचारणीय बिंदु है। तो बल और शक्ति को मानव सदा से जानना चाहता है, और जो भी अभी तक विज्ञान विधा से हमने प्रयास किया उसको जानने का, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि वास्तव में स्थिति बल क्या है और शक्ति क्या है, इस पे कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। और दूसरी बात है कि वो मानवीयता के लिए कोई अभी उसका स्वरूप हमको दिखाई नहीं दिया है। हम अभी आज जो धरती की हालत है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है और बाकी जो हम दुनिया में देख रहे हैं, उसका बड़ा एक कारण है कि हमारे को अभी समझ नहीं आया है वास्तव में कि वास्तविकता क्या है। और मूल रूप से कह रहे हैं कि बल और शक्ति के बारे में अनुमान है लोगों का, अभी उसके साथ कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि क्या है वास्तव में। इस संदर्भ में विज्ञान विधा से दबाव को बल के रूप में और गति तरंग और प्रवाह को शक्ति के रूप में पहचानने की कोशिश हुई। तो जब भी हम बल कह रहे हैं वो दबाव को बल कह रहे हैं, बल या तो पुश के रूप में है या तो पुल के रूप में है ना, तो पुल और पुश को ही वहां पे बल के रूप में पहचाना गया है विज्ञान के अंदर। और जो गति है, गति जो है तरंग और प्रवाह के रूप में, गति तरंग प्रवाह के रूप में शक्ति को पहचानने की बात हुई है। इसमें बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए गए, विद्युत तरंग चुंबकीय बल के रूप में, उसी प्रकार शब्द तरंग और दबाव के रूप में, प्रवाह में होने वाले तरंग और दबाव के रूप में। इन विविध प्रकारों से अध्ययन कराने की कोशिश की गई। इन सब में यह पाया गया कि इसमें सब में मध्यस्थीकरण होने के तथ्य को नकारा गया। ये सब अध्ययन आवेशित गति पर ही निर्धारित हैं। स्वभाव गति में होने पर बल और शक्ति कहाँ चले जाते हैं, यह प्रश्न तो आता ही है। तो अभी तक जितना अध्ययन विज्ञान ने किया वो सब आवेशित गति का अध्ययन किया है, ये एक मूल बात है। दूसरी बात है कि अभी तक मध्यस्थ का पहचान नहीं हुआ, जो सारा अध्ययन है वो सम और विषम के सीमा में ही विज्ञान ने अध्ययन किया है। यहाँ पे
मोटा मोटा अगर आप देखेंगे दो तीन शब्द आए हैं विद्युत और चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल हमने बताया कि जिस जब अंश व्यापक में भीगे होने के कारण ऊर्जा संपन्न है, जिसमें जो बल है वो बल चुंबकीय बल के रूप में है। और क्या है वो, एक इकाई के चारों तरफ जो प्रभाव है और दूसरी इकाई के चारों तरफ जो प्रभाव है, ये एक दूसरे को पहचानना, इससे क्या होता है कि उनके बीच में एक चुंबकीय धार बन जाती है ना। इस तरह से दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों के परस्परता में जो आकर्षण है वो इस तरह से चुंबकीयता की बात कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो बाबा जी अध्ययन कर रहे हैं वो स्वभाव गति में रहते हुए अध्ययन कर रहे हैं। मोटे मोटे विज्ञान में क्या कह रहे हैं कि विज्ञान में जो प्रभाव क्षेत्र है उसको, जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो मानते हैं कि वो भी किसी पार्टिकल से बना है, फोटॉन से बना हुआ है। तो चाहे वो इकाई है परमाणु, परमाणु मूल रूप से आपको पता ही होगा कि विज्ञान मानता है कि परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम देते हैं। बाद में उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इस तरह के नाम दिए। और उसके साथ साथ उन्होंने चार शक्तियों को भी पहचाना, जिसमें ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है। और इन फोर्सेस को भी उन्होंने किसी पार्टिकल के साथ जोड़ के रखा हुआ है। ये जो फोर्सेस हैं उसके लिए कोई पार्टिकल जिम्मेदार है, जबकि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रभाव क्षेत्र है वो किसी पार्टिकल से नहीं बना है, वो पार्टिकल का ही एक वैभव है। वो पार्टिकल जब ऊर्जा संपन्न है तो उस ऊर्जा संपन्नता के साथ ही उसका एक प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है। और जो इकाई का प्रभाव क्षेत्र है, जब दो इकाइयों का प्रभाव क्षेत्र आपस में साथ में आते हैं, उसके घर्षण से वहां पे ध्वनि ताप और विद्युत का प्रसव है, ध्वनि ताप और विद्युत निकल रहा है। इस तरह से दो इकाइयों के बीच के जो इंटरैक्शन है उससे ध्वनि है, ताप है, विद्युत है। जबकि वहां पे विज्ञान में क्या कह रहे हैं कि जो विद्युत है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, या है ना, ये सब के पीछे कोई एक इंक्लूडिंग प्रभाव के पीछे भी कोई एक पार्टिकल जिम्मेदार है ना। तो ये एक मौलिक उसके अंदर डिफरेंस है कि यहाँ पे पार्टिकल जिम्मेदार नहीं है। दूसरा क्या है कि ये जो शक्तियां हैं, विद्युत है, ध्वनि है, ताप, ये जो शक्तियां हैं ये अपने में कोई वस्तु नहीं है, कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है, ये मूल रूप से केवल प्रभाव है। एक इकाई का दूसरे इकाई के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन का ये फल आया है, उस रूप में इसको देख रहे हैं। तो पहला वाला जो पैराग्राफ है इसमें मूल जो बात निकल कर आई कि विज्ञान का जो अध्ययन है वो अधूरा है। अधूरा किस लिए क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान ने आवेशित गति में ही अध्ययन किया, आवेशित गति के अलावा उनको अध्ययन करने का भी कोई ढंग पता नहीं है। उसमें मध्यस्थीकरण को नकारा, और मूल जो बात है उसमें जो बल है, जो स्थिति है, उसका ठीक से अध्ययन नहीं हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। तो इस मुद्दे पर मध्यस्थ दर्शन के नजरिए से यह पता चलता है कि स्थिति में बल, गति में शक्ति प्रकट होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, दूसरे पर प्रभाव प्रमाणित करने के क्रम में यांत्रिक प्रक्रिया रूपी शक्ति का परिचय पहचान होता है, स्थितियां होने के आधार पर पहचान में आता है। इस तथ्य को अथवा सिद्धांत को परीक्षण करने की बहु विधाएं मानव के सम्मुख समीचीन है। समीचीनता का तात्पर्य पास में होने से है, उपलब्ध होने से है। जैसे एक पत्थर, उसको हम उठाने जाते हैं, उठाते हैं, तब पत्थर हमारे संयोग का जैसा भी बोध होता है, जैसा भी समझ में आता है, उसको हम भार कहते हैं। ये भार अपने आप से धरती के साथ सहस्तित्व सूत्र प्रमाणित करने के अर्थ में पाया जाता है। तो यहां पे एक और नई चीज आ रहा है। तो पीछे हमने देखा कि उसमें मध्यस्थ का अध्ययन नहीं हुआ, आवेशित गति में ही अध्ययन हुआ है, मध्यस्थीकरण का पता नहीं चला और स्थिति का ठीक से आकलन नहीं हो पाया।
यहाँ पे क्या कह रहे हैं बाबा जी कि यहाँ पे स्थिति में बल को और गति में शक्ति को पहचाना गया है, है ना। और दूसरी जो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भार, तो भार वहां पे कैसे देख रहे हैं और यहाँ कैसे देख रहे हैं, उसमें भी थोड़ा अंतर है। अभी तो उसमें विज्ञान में जहां तक मेरा अध्ययन है उसमें काफी डिबेट है, भार है क्या, क्योंकि जो पार्टिकल है पार्टिकल का अपना स्वरूप कोई निश्चित नहीं है। पार्टिकल स्वयं में एक कण भी है और वो एक वेव के रूप में भी बदल सकता है, और उसका पीछे काफी, जब लगभग मेरे ख्याल से 2012 के बाद पार्टिकल फिजिक्स में काफी बदलाव हुए हैं, और जिस दिन से उन्होंने हिग्स बोसॉन को खोजा है और हिग्स फील्ड को खोजा है उसमें काफी उन्होंने नए ढंग से सोचना शुरू किया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भार क्या है, जो दो इकाई है, दो इकाई मान लो दो अंश हैं, दोनों अंश आपस में परस्परता को पहचानते हैं, तो उस परस्परता में पहचान के साथ एक मध्य में हो जाता है, एक ऑर्बिट में हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक चुंबकीय धारा बनी रहती है। जो मध्य में है वो ऋणाकर्षण की स्थिति में रहता है, ऋणाकर्षण मतलब जो दूसरे को आकर्षित करता है, और जो ऑर्बिट में है वो धनाकर्षण की स्थिति में आप कह सकते हो, जो किसी की ओर आकर्षित होता है। उसको हम बड़े स्केल पे भी देख सकते हैं, जैसे धरती है, धरती के ऊपर हम एक पत्थर फेंकते हैं ऊपर, तो जो पत्थर है वो धनाकर्षण की स्थिति में है, धरती ऋणाकर्षण की स्थिति में है, तो ऋणाकर्षण की स्थिति में कोई वस्तु किसी को आकर्षित कर रही है, और धनाकर्षण की स्थिति में कोई वस्तु किसी की ओर आकर्षित हो रही है, और जब वो आकर्षित हो रही है उसको हमने बीच में रोक दिया, तो उसको जो उसमें माप बनता है उसको भार कह रहे हैं यहाँ पे। अभी जो भार है उसका प्रयोजन क्या है, वो कह रहे हैं सह अस्तित्व के सूत्र से वो सूत्रित है, सह अस्तित्व के सूत्र से वो प्रमाणित होता है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में ही सारा भार है, उस रूप में भार को देखा गया यहाँ पे। यही चीज इस प्रकार के भार का अनुभव हर मानव में होने की स्थिति स्पष्ट है, जैसा एक खाली घड़ा उसमें पानी भर दिया अथवा मिट्टी भर दिया अथवा आलू या अनाज भर दिया, तब उसको उठाने पर जैसा लगता है उसको भार कहा। हर मानव अपने में मनाकार को साकार करने वाला होने के आधार पर और कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र होने के आधार पर भार को कैसे नापा या तौला जाए इसको सोचा और इसका उत्तर पा गया, तौलने की विधि तय कर लिया, मापने की विधि तय कर लिया। उसमें सबसे बड़ा उस बड़ा ट्रक और रेल आदि के वजन को भी तौलने नापने योग्य यंत्र बना लिया। हर दिन इसको हर व्यक्ति देखता ही है। पूरा भार धरती के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में होने वाला विन्यास है, सिद्धांत है। इस ढंग से भार सह अस्तित्व से अनुप्राणित होना पाया जाता है। हर इकाई स्थिति में बल संपन्न गति में शक्ति को प्रमाणित प्रकाशित करते हैं। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बाबा जी लिख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भार को वो बता रहे हैं कि जो भार है वो सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में है, सह अस्तित्व के सूत्र से अनुप्राणित है, है ना। और जबकि अभी जो हम भार देख रहे हैं विज्ञान में, मैं अभी थोड़ा सा सोच अध्ययन कर रहा था कि भार वो कैसे देखते हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में काफी अभी पिछले कई दिनों से समझने का प्रयास कर रहा था कि भार कैसे है। तो एक छोटा सा सही 2 मिनट में आपको रख देता हूं कि जो अभी तक मेरे को समझ में आया। एक तो जो पार्टिकल है उसके अंदर वो अपने में वो भार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल की अपनी गति है, अंश की अपनी गति है। यदि उस गति को बहुत तेज कर देते हैं, जैसे मान लो उस गति को हमने, उन्होंने प्रकाश की गति के आधार पर कुछ किया हुआ है, तो प्रकाश की गति के हिसाब से अगर चलाएं तो क्या दिखता है कि यदि वो गति मान लो प्रकाश के 87% गति के
साथ आता है, तो जो पार्टिकल है उसका वो भाग है आधा ही रह जाता है, उसको और अगर उसकी गति को बढ़ाए तो उसमें और कम हो जाता है, और उसकी गति यदि प्रकाश की गति के अनुरूप हो जाए तो वो पार्टिकल फिर वेव में बदल जाता है, वो पार्टिकल रहता ही नहीं है। इस तरह से उसके अंदर कोई भार नहीं होता है। तो भार कैसे गेन करता है, जब वापस पुनः वो फील्ड में पहुंचता है जिसको हिग्स फील्ड कह रहे हैं, तो वहां पे वो फिर से गेन करता है। तो पार्टिकल का के अंदर ही कहीं भार को पहचानने का प्रयास है, और वो फिर कभी भार है और कभी भार नहीं है। और दूसरा क्या है कि मास और भार को बहुत ही स्पष्ट ढंग से अभी रख पा रहे हैं, इसको हम देख नहीं पाए। जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें जरूर वो डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो अभी का वर्तमान फिजिक्स है उसमें कहीं ना कहीं काफी अभी उलझन बना हुआ है। अपने यहाँ क्या देख रहे हैं कि मोटे रूप से भार का जो मूल स्वरूप है, अभी आगे वाले पैराग्राफ में आता है बहुत अच्छे से, कि भार जो है सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में ही सारे इकाइयों में भार को हम देखते हैं, और जो भार है धनाकर्षण ऋणाकर्षण के संयोग से भार हमको एक परमाणु के अंदर या अणु के अंदर या अणु रचना के अंदर या ग्रह गोल नक्षत्र के अंदर दिखाई देते हैं। इस क्रम में यह समझ में आता है कि हर वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में अपने अपने व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जैसे एक परमाणु में एक से अधिक परमाणु अंश निश्चित दूरी में रहते हुए त्वसहित व्यवस्था को आचरण के रूप में प्रकट करते हैं जिसका दृष्टा मानव है। ऐसी अच्छी निश्चित दूरी के बीच में अगर दूरी बढ़ती है तब परमाणु में मध्यांश के रूप में कार्य करता हुआ मध्यस्थ क्रिया अपना बल प्रयोग करता है और अंशों को पास बुला लेता है। अगर परमाणु अंश मध्य में क्रियारत मध्यांश के पास आने लगता है, तभी भी मध्यांश अपना बल लगाकर अंश को अच्छी निश्चित दूरी में निश्चित कर लेता है। यह परमाणु में होने वाली नियंत्रण क्रिया है। इन्हीं क्रियावश परस्पर दूरी पर नियंत्रण बना रहता है। बड़ा सुंदर यहाँ पे है कि किस तरीके से एक परमाणु व्यवस्था में सजा हुआ है। और जब हमने पिछला क्लास मानव व्यवहार दर्शन में लिया था, उसके अंदर आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण की बात आई थी, वही बात यहाँ भी आ रही है कि किस तरीके से एक परमाणु में अच्छी निश्चित दूरी बनी रहती है। तो हमने पहला जो पैराग्राफ था उसके अंदर क्या देखा था कि जो विज्ञान है आवेशित गति का ही अध्ययन करता है, आवेश जो है वो स्वभाव गति नहीं है और मध्यस्थ का उसमें हता पता नहीं है। दूसरा क्या हुआ पैराग्राफ में हमने देखा कि जो मूल बात है इसके अंदर वो मध्यस्थ को पहचाना गया, बल और शक्ति को ठीक से पहचाना गया, और जो भार है वो भार को एक सह अस्तित्व या व्यवस्था के अर्थ में पहचाना गया। और जब हम तीसरे पैराग्राफ में आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का आधार है कि जो परमाणु के अंदर अंश हैं वो अच्छी निश्चित दूरी में बने रहते हैं, इसके साथ ही व्यवस्था रहती है। और जो व्यवस्था है उसमें दो भाग हैं, एक तो है त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इस रूप में भी आप बल शक्ति को देख सकते हैं कि स्वयं में व्यवस्था होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना। ये स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना, इसी को निश्चित आचरण के रूप में पहचाना गया है। इस रूप में जो अंश है, परमाणु अंश है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, इसको व्यवस्था के रूप में नहीं पहचाना गया क्योंकि वो इकाई अपने स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी नहीं है, उसका अपना कोई निश्चित आचरण नहीं है। ये जो निश्चित आचरण है वो अनेक अंशों के मिलने के साथ जो परमाणु का गठन हुआ है उस गठन के साथ ही उसका एक निश्चित आचरण हमको दिखाई देता है। अब जब एक अंश नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे और भी इकाइयां हैं,
उन इकाइयों का दबाव प्रभाव भी उस इकाई पे पड़ता रहता है। तो सामान्यतः ये जो परमाणु है वो स्वभाव गति में ही बने रहते हैं, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, सम विषम आवेश नहीं होता है, स्वभाव गति में ही वो गति करते हैं। लेकिन परस्परता में जब दबाव या प्रभाव है उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो परिवेश है वो नाभिक के जो निश्चित दूरी है उससे और नजदीक आने लगता है। यदि वो नजदीक आता है उस स्थिति में जो मध्यस्थ है वो उस पे एक बल लगाता है जिसको विकर्षण बल कह रहे हैं। विकर्षण बल का मतलब है कि उसके आकर्षण बल को कमजोर कर देता है, उसको दूर हटा देता है। तो इस विकर्षण बल का के कारण जो इकाई है परिवेश में जो नजदीक आ रही है उसके अंदर उस विकर्षण बल का एक रिस्पॉन्सिव फोर्स पैदा होता है जिसको प्रत्याकर्षण कह रहे हैं। इस प्रत्याकर्षण के कारण वो पुनः अच्छी निश्चित दूरी में चला जाता है। और इस तरह से हम तीन चीजों को देख रहे हैं, एक तो है विकर्षण, दूसरा है आकर्षण और तीसरा है प्रत्याकर्षण। तो प्रत्याकर्षण बल मूल रूप से कोई इकाई है जो ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको निश्चित दूरी में बनाए रखने के लिए जिस आकर्षण का को कह रहे हैं वो है प्रत्याकर्षण। साथ में बने रहने के लिए वो आकर्षण कह रहे हैं, और एक दूरी से नजदीक आ गई उसको फिर पुनः उसके अच्छी निश्चित दूरी में बनाए रखने के लिए जो मध्यांश बल लगाता है उसको विकर्षण करें। ऐसे ही किसी प्रभाव दबाव वश यदि वो अपने निश्चित दूरी से दूर जाने लगती है तो पुनः ये जो मध्यांश है उस पर एक बल लगाता है जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल के कारण पुनः उसके अंदर प्रत्याकर्षण हुआ और वापस अपने निश्चित दूरी में चली आती है। और इस तरह से एक परमाणु के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो गति है वो नियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं है, वो स्वभाव गति में बना हुआ है और स्वभाव गति को बनाए रखता है। ये स्वभाव गति में होना ही व्यवस्था का मूल है। इस तरह से प्रत्येक इकाई त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। आगे तो यहां पे लगभग ये क्लियर हो गया है ना, तब फिर से पढ़ लेते हैं। अगर परमाणु अंश मध्य में क्रियारत मध्यांश के पास आने लगता है तभी भी मध्यांश अपना बल लगाकर अंश को अच्छी दूरी में निश्चित कर लेता है। यह परमाणु में होने वाली नियंत्रण क्रिया इन्हीं क्रियावश परस्पर दूरी पर नियंत्रण बनाए रहता है। परमाणु अणु के रूप में जब होते हैं मध्यांशों के आधार पर ही परस्पर आकर्षण बल चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर प्रवर्तित होता है। फलतः एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर अणु बंधन सहित अणु कहलाते हैं। ऐसे अणुओं का भार संपन्न रहना स्वाभाविक है। इसी भार के कारण एक अणु के दूसरे अणु के साथ निश्चित अच्छी दूरी में रहते हुए जुड़ने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसी प्रवृत्तियों से परमाणु अणु अणुओं से रचित बड़े बड़े पदार्थ पिंड मानव के सम्मुख प्रस्तुत हैं, जैसे यह धरती। इस धरती के साथ धरती से जुड़ी हुई सभी वस्तु धरती के वातावरण तक ठोस ठोस के साथ, तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ये बहुत ही मौलिक बात यहाँ पे रखी गई है जो अभी तक विज्ञान के पकड़ में नहीं आया। वो ये है कि वो जो हम कह रहे थे कि अच्छी निश्चित दूरी में बना रहना और इस अच्छी निश्चित दूरी में बने रहने के साथ उसके अंदर व्यवस्था होना, ये अच्छी निश्चित दूरी जब हम कह रहे हैं तो उसके अंदर एक आपस में परस्परता में एक आकर्षण बल है जिसको हम धनाकर्षण ऋणाकर्षण के रूप में पहचानते हैं। ये जो धनाकर्षण ऋणाकर्षण के साथ ही उसके अंदर एक भार दिखाई देता है। मानव व्यवहार दर्शन में चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा कि भार आकर्षण से, ऐसा एक लाइन आता है ना, आकर्षण जो है परस्परता से, परस्परता लघुता एवं गुरुता से, ऐसा अध्याय 3 में लिखा हुआ है। तो जो भार है वो आकर्षण से है और आकर्षण जो है
वो परस्परता के कारण है। तो इस तरह से जो भार है, भार का दूसरा जो प्रयोजन है कि वो एक इकाई दूसरे इकाई ना परमाणु को और फिर जो परमाणु से बना अणु 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 को और उससे फिर अणु रचना, इन सब में भार के कारण ही उसके अंदर जुड़ाव दिख रहा है। और भार से इस तरह से एक दूसरा शब्द आता है उसके अंदर अणु बंधन, भार बंधन के साथ ही है ना, भार के साथ अनुबंधित होने के साथ ही उसके अंदर आपस में जुड़ने का, साथ में रहने का, साथ में होने का, साथ में रहने की बात आती है। और इसको किस रूप में देख रहे हैं, जो ठोस ठोस है उसके अंदर एक निश्चित दूरी है, अच्छी निश्चित दूरी है, ऐसे ही जो तरल है तरल के बीच में भी एक अच्छी निश्चित दूरी है और जो विरल वस्तुएं हैं उनके बीच में भी एक अच्छी निश्चित दूरी है। इस तरह से ठोस ठोस के साथ, तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करता है और इस तरह से हमको व्यवस्था दिखाई देता है। ये अभी विज्ञान में इस तरह से इसको पहचाना नहीं गया है। कैसे पहचाना गया है उसका आगे नाम आता है, वो अभी हम देखते हैं। इसके लिए जो विन्यास धरती और धरती के अंगभूत वस्तुएं करते हैं उन्हें ऊपर से गिरना, दौड़ना, उड़ना आदि नाम देते हैं। ऊपर से वही सब चीजें नीचे गिरती हैं जो ठोस और तरल के रूप में रहती हैं। तरल तरल वस्तुओं के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की आतुरता कातुरता में जो विन्यास है ना करता है उसे वर्षा अथवा प्रवाह कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि तरल तरल वस्तु के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की आतुरता कर्तुरता में जो विन्यास, मतलब विन्यास का मतलब सह अस्तित्व के अर्थ में जो सारी क्रियाएं हैं उसे वर्षा या प्रवाह कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसका पूरे धरती पे किस तरह से रोल है, वर्षा का होना या बाकी चीजों का होना, वो भार से कैसे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो ठोस वस्तु ऊपर से गिरता है वह धरती के साथ होने वाला विन्यास है ना, जो उस वस्तु का धरती के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के प्रभाव में होता है। इसी विन्यास को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया है। वास्तव में यह ठोस वस्तु का ठोस वस्तु के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने का विन्यास ही है, यही सम्मानजनक स्वीकृति है। तो इसके पहले जो गुरुत्वाकर्षण को बताया गया है और यहाँ पे जो बताया गया है, हमने पहले ही कहा कि विज्ञान में ये मूलतः मान्यता है चार तरह के फोर्सेस को पहचानते हैं, जिसमें ग्रेविटी जो है एक महत्वपूर्ण फोर्स है, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक फोर्स है और स्ट्रांग फोर्स है। इन चारों फोर्सेस के लिए वो मानते हैं कि कोई ना कोई पार्टिकल जिम्मेदार है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पहचान लिया उन्होंने, वो कहते हैं कि उस फोटॉन पार्टिकल जो है जिम्मेदार है। वीक फोर्स के लिए भी उन्होंने कुछ नाम दे रखा है, स्ट्रांग फोर्स के लिए भी कुछ उन्होंने नाम दे रखा है। जो अभी उनको लगता है कि जो उनको पकड़ में नहीं आया है वो है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी किन पार्टिकल से बनके, किन पार्टिकल, कौन से पार्टिकल है जो ग्रेविटी के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार है, वो अभी विज्ञान के पकड़ में नहीं है। और उनको लगता है कि हो सकता है कोई ऐसा पार्टिकल हो जो ग्रेविटी के लिए भी जिम्मेदार होगा, उसका नाम वैसे उन्होंने सोचते हैं ग्रेविटान जैसा कुछ होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं जिसको आप कह रहे हैं, ये फोर्सेस एक प्रभाव है, ना कि उसके लिए कोई पार्टिकल जिम्मेदार है। और जब हम गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं तो वो दो इकाइयों के बीच में जो आकर्षण है उसको कह रहे हैं, और उस आकर्षण में भी जो मूलतः ऋणाकर्षण वाली है, मतलब एक धनाकर्षण जो बताया, जो कोई वस्तु किसी की ओर आकर्षित हो रही है, और ऋणाकर्षण जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो जो ऋणाकर्षण है उसको यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के रूप में भी बाबा जी ने अलग नाम दिया है, और उसी ऋणाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण है उससे वो भार कह रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है जो विज्ञान कह रहा है ना। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण किसी पार्टिकल के साथ अभी एसोसिएट करने का प्रयास कर रहे हैं।
वास्तव में यह ठोस वस्तु के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने का विन्यास ही है, यही सम्मानजनक स्वीकृति है। गुरुत्वाकर्षण में छोटे बड़े की परिकल्पना दौड़ती है। सह अस्तित्व रूप में देखा गया कि प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था है। बड़ी सुंदर बात है, मतलब अद्भुत बात कि अभी तक जब भी हम सोचते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण की बात सोचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सापेक्षता में सोचते हैं। अभी पूरा डिजाइन जो सोचने का है वो है एक सापेक्षता में सोचने का डिजाइन है। और जब भी हम सापेक्षता में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी को छोटा किसी को बड़ा ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। और वो छोटा बड़ा केवल इकाइयों में नहीं, हर जगह है। हमारा काम छोटा, किसी का काम बड़ा, किसी का पद छोटा, किसी का पद बड़ा, क्योंकि मानसिकता में ही छोटा बड़ा समाया है। बाबा जी यहां बहुत मौलिक बात कह रहे हैं कि इसमें छोटा बड़ा का कोई रोल नहीं है, कोई चीज छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है अस्तित्व में। मूल जो बात है कि हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है और हर इकाई का एक निश्चित रोल है, ये मुख्य बात है, है ना। और सह अस्तित्व में इस रोल को समझना कि किस तरह से कोई इकाई अपने अब स्वयं में त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। तो ये जो छोटा नहीं है और इसमें कोई बड़ा नहीं है, सबका अपना एक निश्चित भागीदारी है और उस रूप में व्यवस्था को हर इकाई मिल करके सह अस्तित्व रूपी व्यवस्था को प्रमाणित किए रहते हैं। ये एक मौलिक बात निकल कर आई। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था है। ये दोनों सिद्धांत स्वभाव गति और निश्चित आचरण के योग फल में संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है। तो दो बातें आ गई, एक हो गया स्वभाव गति में होना, दूसरा निश्चित आचरण का होना। तो ये जो निश्चित आचरण है ना, पहले एक बार बात आई थी कि अभी विज्ञान सोच अभी ऐसा लगता है कि विज्ञान सोचता है कि ऐसी मान्यता है कुछ लोगों की कि विज्ञान ने निश्चित आचरण को पहचाना है। ये जो निश्चित आचरण है जब हम कह रहे हैं तो उसका बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे कि प्रत्येक इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना, या त्व सहित व्यवस्था होना और समग्र में भागीदारी होना, ये व्यवस्था को प्रमाणित करना उसको कह रहे हैं निश्चित आचरण। और जब इकाई व्यवस्था में है तो वो स्वभाव गति में है, वो आवेशित गति में नहीं है। और यदि उसके अंदर कभी किसी परस्परता के दबाववश प्रभाववश यदि स्वभाव गति से विचलन होता है तो उस स्थिति में मध्यस्थ का रोल दिखता है और उस इकाई को पुनः विकर्षण या आकर्षण बल लगाकर निश्चित व्यवस्था में कर लेता है। इस तरह से स्वभाव गति में इकाइयां बनी रहती हैं। तो फिर से थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये दोनों सिद्धांत स्वभाव गति और निश्चित आचरण के योगफल में संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में प्रत्येक वस्तु इस धरती का अंग भूत होने के फलस्वरूप धरती के साथ सह अस्तित्व को निभाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का विन्यास इस धरती के वातावरण तक मर्यादित रहना पाया जाता है। यह धरती भी अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। संपूर्णता में समाहित जितने भी अंग अवयव हैं, ये सब संपूर्ण के साथ मर्यादित रहना पाया जाता है। तो इस तरह से हर इकाई, हम देख रहे हैं कि हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है और ये पूरी धरती भी अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। इसमें मैं भी थोड़ा सा और कि संपूर्ण और एक शब्द आता है पूर्णता। तो जब हम जीवन की बात कर रहे हैं उसके अंदर पूर्णता की बात कर रहे हैं, जिसको क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता, मतलब जब मानव की बात कर रहे हैं। बाकी जब हम जड़ प्रकृति की बात कर रहे हैं तो इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। तो पूर्णता और संपूर्णता दो शब्द है ना, दोनों को
अलग अलग देखना चाहिए। तो संपूर्णता कहाँ पे है? हर इकाई अपने में संपूर्ण है, कोई इकाई छोटी नहीं है, कोई इकाई बड़ी नहीं है। ये छोटा बड़ा का यदि हमको ध्यान जाता है तो पूरे समाज में अभी जो कैओस है इतना बना हुआ, वो इसी दृष्टि से आया हुआ है, छोटे बड़े की दृष्टि से, सापेक्षता की दृष्टि से। और सापेक्षता के कारण पूरी धरती का अभी बहुत बुरा हाल हमने करके रखा हुआ है, ये हमको सबको दिखाई देता है ना। तो संपूर्णता में समाहित जितने भी अंग अवयव हैं, ये सब संपूर्ण के साथ मर्यादित रहना पाया जाता है। मर्यादित का तात्पर्य निश्चित विन्यास से निश्चित आशय को प्रमाणित करने से है। ऐसे निश्चित आशय ठोस ठोस के साथ, तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में जो कुछ भी क्रिया होती है उसे हम विन्यास कहते हैं। तो सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब उसको क्या कह रहे हैं? विन्यास कह रहे हैं। इसका फलन सह अस्तित्व का प्रमाण ही है। इस विधि से सह अस्तित्व ही अस्तित्व होने का समझ पूरा होता है। कितना सुंदर पूरा अस्तित्व जो है सह अस्तित्व स्वरूप में हमको दिखाई देता है, बल्कि सह अस्तित्व ही अस्तित्व है ऐसा दिखाई देता है। किसी भी इकाई का अस्तित्व कैसे है? सह अस्तित्व पूर्वक है। तो सह अस्तित्व है ना, है। तो फिर से थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं पीछे से। तो पहले पैराग्राफ में देखा कि ज्ञान ने अध्ययन नहीं किया है, मध्यस्थीकरण का उसमें अध्ययन नहीं हुआ, उसमें आवेश का हमने अध्ययन किया, और जो भी अध्ययन विज्ञान ने किया वो मानवीयता के लिए किसी भी तरह से अभी तक उपयोगी नहीं हो पाया है विज्ञान का अध्ययन, बल्कि उससे अमानवीयता ही बढ़ी है। मार काट, लूस कठोर खसोट, झगड़े सब बढ़े हैं। धरती का जो पर्यावरण है उसका हाल और खराब ही हुआ है, ये हमको दिखाई देता है। अभी सब ऐसा क्यों हुआ? आदमी ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मानव का जो अध्ययन है वो अपने में अधूरा है। अभी मानव ने सच्चाई को ठीक से पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि कभी भी कोई इकाई है वो दो चीजों के साथ है, एक है स्थिति के साथ, दूसरा है गति के साथ। स्थिति के आधार पे ही कोई गति बनती है। अभी विज्ञान में जो बड़ा समस्या है वो स्थिति को पहचान नहीं पाया, या बल के साथ ही शक्ति है, तो बल को ठीक से पहचाना नहीं। बल को भी वो जो पहचान रहे वो शक्ति के रूप में ही बल को पहचान रहे, ना कि जैसा यहाँ पे पहचाना जा रहा है। तो हमने देखा कि दूसरे पैराग्राफ में बात आई कि वो पहचान नहीं पा रहे, इस तरह से सह अस्तित्व को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। सह अस्तित्व का जो तीसरे पैराग्राफ में आधार दिया कि सह अस्तित्व जो है, जो नियंत्रण है वो निश्चित अच्छी दूरी में होने के कारण है, वो अच्छी निश्चित दूरी की भी पहचान उनको है नहीं। हम कहीं ना कहीं वो दूरी वाली बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से हमने अभी व्यवस्था को नहीं पहचाना है। उसको और आगे जब जाते हैं तो ये जो अच्छी निश्चित दूरी है उसी के साथ उन्होंने भार को दिखाया कि किस तरीके से ठोस ठोस, तरल तरल और विरल विरल के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी बनी रहती है, और इसी के साथ वह सह अस्तित्व को प्रमाणित किए रहता है। इस सह अस्तित्व में ये जो अच्छी निश्चित दूरी है उसके लिए उन्होंने जो दिया आकर्षण है उसके अंदर मध्यस्थ, और जो परिवेश है उसके अंदर जो अंश है, उस दोनों के साथ ही इस अस्तित्व प्रमाणित होता है, जिसको आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण के रूप में हमने देखा। और आगे चलते हैं तो दिखाई देता है कि ये जो सह अस्तित्व है वो सह अस्तित्व में जो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को पहचाना वो लघुता और गुरुता सापेक्षता के साथ ही पहचाना। सापेक्षता में क्या हुआ कि एक बड़ा और एक छोटा हुआ, एक बड़ा छोटा होने से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ नेष्ठ इसकी भी बात आई, और उससे बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और अपने पास कई तरीके से हो सकते हैं। हम तो जैसे अभी हम लोग जीवन विद्या में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, है ना, तो हम सबका अपना अपना प्रयास है, और हर प्रयास एक सार्थक प्रयास है। इसमें है ना किसी का प्रयास छोटा है, किसी का प्रयास बड़ा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रयास है वो अपने ढंग से हम जितना कर सकते अपनी पूरी ताकत लगा के हम कर रहे हैं। हमारे सुरेंद्र
पाठक भैया वो अपने ढंग से पूरी ताकत लगा कर रहे हैं, राकेश भैया अपने ढंग से कर रहे हैं, शोक भैया है, साधन भैया है, जितने लोग हैं, तो ये जो प्रयास है ऐसे ही हर जगह हम सबको ये देखना पड़ेगा कि अपना हमारा क्या रोल है और उसमें कोई कम ज्यादा जो आते हैं उसमें फिर कठिनाई पैदा होती है। और ये फिर हम सामाजिक लेवल पे भी देखते हैं, कहीं पैसा वाला, कम पैसा वाला, ज्यादा पैसा वाला, तो हम हर जगह एक सापेक्षता की दृष्टि से चीजों को देखते हैं। ये सापेक्षता की दृष्टि के बजाय एक ऐसा दृष्टि होना कि जो प्रकृति में जो भी इकाइयां हैं वो सापेक्षता में न होकर के प्रत्येक इकाई स्वयं में संपूर्ण है, अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, और इस तरह से वो स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये मोटा मोटा अभी तक आया, और इसी रूप में हम सहअस्तित्व को देखते हैं, तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के साथ सहअस्तित्व स्वरूप में प्रत्येक इकाई का अस्तित्व बना हुआ है, इसमें किसी इकाई का नाश नहीं है। इस तरह से आगे चलते हैं। सापेक्षता में छोटे बड़े का बोध होता है ना, संपूर्णता ओझिल हो जाता है, संपूर्णता में ही प्रत्येक एक का सम्मान हो पाता है, मूल्यांकन हो पाता है। ऐसा मूल्यांकन और सम्मान प्रतिष्ठा की पहचान करने वाला मानव ही है। बड़ी सुंदर बात आ गई कि सापेक्षता में क्या बोले, वही पीछे बताया कि छोटा बड़ा का बोध होता है, संपूर्णता ओझिल होता है। संपूर्णता ओझिल होने से क्या हुआ, मूल्यांकन दोष हुआ, मतलब हम अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन करने लगते हैं। इस तरीके से हम सम्मानजनक कोई कार्यक्रम निकाल नहीं पाते हैं, सही मूल्यांकन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष होने के कारण जब हम जीने जाते हैं तो हमारे व्यवहार कार्य में कहीं ना कहीं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष होता है, और ये हम पूरे हमको समाज में दिखाई दे रहा है। ऐसा मूल्यांकन और सम्मान प्रतिष्ठा की पहचान करने वाला मानव ही है, इसको केवल मानव ही पहचान सकता है ना, मूल्यांकन करने की क्षमता केवल मानव में ही है, सही मूल्यांकन मानव ही कर सकता है। मानव जब संपूर्णता के साथ सह अस्तित्व में प्रत्येक एक को प्रमाणित करता है, ऐसी स्थिति में मानव अपने स्वयं के संपूर्णता की ओर ध्यान देना स्वाभाविक होना पाया जाता है। बड़ी सुंदर ढंग से है ना, हम कहां से शुरू किए थे पहला पैराग्राफ और कहां हम आ गए कि जब मानव इस संपूर्णता पे मानव का ध्यान जाता है तब वो अपने है ना स्वयं के वो भी ध्यान दे पाता है और स्वयं को संपूर्णता के साथ देखने की बात आती है ना, और तभी वो व्यवस्था और समग्र व्यवस्था को पहचानने के में समर्थ हो पाता है, और इस रूप में हर एक का रोल देख पाता है। और जब जैसे हमारा परिवार बनता है तो परिवार में जो जो कुछ काम है ना, सबका एक अपना रोल है। हमारा शरीर है, शरीर में बहुत सारे अंग अवयव हैं, सबका एक अपना रोल है। कौन सा अंग बहुत महत्वपूर्ण है और कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना एक रोल है, अपनी एक भूमिका है, और उस भूमिका के साथ वो उसमें बना हुआ है। और सोशल एस्पेक्ट से देखेंगे तो इसको बहुत ही गहरे रूप में हम देखते हैं, जिस तरह से मार्क्सवाद आया या फेमिनिज्म अभी बहुत चल रहा है, इसमें हर जगह कहीं ना कहीं हमने रोल को ठीक से पहचाना नहीं। महिला पीछे अगर हम जाते हैं, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो जिस तरह से महिलाएं घर में काम करती हैं तो घर के काम को उस तरह से कोई बहुत मूल मतलब उसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, पैसा कमाने को महत्वपूर्ण माना गया है ना। इसके आधार पे काफी कम से कम मार्क्स और एंगल्स की किताबों में दिखता है कि किस तरह से परिवार रचना और उसके अंदर ये सारा झंझट दिखाई देता है। और अभी हमारे सामने दिखता है कि हमने जिसको बड़ा माना है उसी की ओर से पूरी दुनिया भाग रही है ना, इसके कारण से बहुत सारा अंतर्विरोध बन के रखा हुआ है। तो ये जो छोटा बड़ा को की बजाय हम जब हम संपूर्णता की ओर ध्यान जाते हैं तो मानव में क्या संपूर्णता है, किस तरह से मानव संपूर्ण होता है ना, उसकी बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं। इसके विपरीत सापेक्ष विधि से छोटे बड़े की ओर ध्यान जाता है, स्वयं को बड़ा मानना एक आवश्यकता हो जाता है ना। इस क्रम में द्रोह विद्रोह, शोषण, भूख मारी, तोप मारी, सारे काम संपन्न होते हैं। बाबा जी की लैंग्वेज भी बहुत जबरदस्त है ना। तो इस तरह से क्या हुआ,
सापेक्षता में देखने के कारण क्या हुआ, हम द्रोह विद्रोह शोषण भूख मारी है ना तोप मारी सारे काम करते हैं, मतलब शोषण द्रोह विद्रोह है ना गरीबी युद्ध ये सारे क्यों हो रहे हैं, उसी मानसिकता के कारण उसी दृष्टि के कारण जो हमारे मूल्यांकन में कमी है उसके कारण ये सब हमको दिखाई दे रहा है। जिसके प्रति जब संवाद होता है तब उसकी अनौचित्यता को स्वीकार करते हैं और जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा भी लगता है और इस ढंग से मानव अंतर विरोधी हो जाता है। इस तरह से मानव के अंदर अंतर विरोध, हमारे जो सोचने का ढंग है वो छोटे बड़े का है, उससे जो हुआ वो द्रोह विद्रोह शोषण है ना युद्ध भूखमरी इसको हमने देखा और जब हम बात करते हैं तो किसी मानव को स्वीकार नहीं है। इस तरह से मानव के अंदर अंतर विरोध है कि हम ये सब चाहते नहीं है लेकिन हमारा जो सोचने का ढंग है ये उसको पैदा कर रहा है, तो मानव अंतर विरोध में बना हुआ है और अंतर विरोध में रहने के कारण दुखी है, परेशान है ना, इससे मुक्ति होने की बात कह रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को हम न घर की न घाट की भाषा से संबोधित करते हैं, है ना, आदमी का हुआ न घर का है न घाट का है, इसी से अनिश्चयतावाद तैयार होता है। फलतः मानव संपूर्ण प्रकार की कुंठा अथवा आवेश का शिकार हो जाता है, स्वभाव गति से दूर हो जाता है, फल स्वरूप असामाजिकता अव्यवस्था हाथ आती है, व्यवस्था रूपी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं। यह पूर्णतया मानव कुल के लिए अनावश्यक सिद्ध हुआ है, इसीलिए इसके विकल्प में स्वभाव गति स्थिति निश्चयता के साथ निश्चित योजना सहित आशावादिता एवं प्रमाण संपन्न होना आवश्यक हो गया। यह सह अस्तित्व विधि से सर्व मानव के लिए समीचीन है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ अनिश्चयता है अनसर्टेनिटी है वो इसके कारण बना हुआ है और कह रहे हैं कि इस तरह से मानव स्वभाव गति में नहीं है बल्कि असामाजिक हुआ है, अव्यवस्था को जन्म दिया है और यदि हम उससे दूर होना है तो फिर हमको वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना पड़ेगा। प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार, प्रत्येक इकाई अपने वातावरण से संपूर्ण है, उस संपूर्णता के साथ देखने से क्या हुआ होता है ना, तभी हम यहाँ पे जो बात कह रहे हैं ये एक विकल्प के रूप में दे रहे हैं। अभी तक जैसा हम जिए हैं, जैसा हम सोचे हैं, जैसा हम किए हैं उसका एक विकल्प है और विकल्प किस स्वरूप में है, ये विकल्प जो है स्वभाव गति के लिए स्थिति निश्चयता है ना, एक उसके अंदर निश्चित योजना इस तरह से अभी है, आशावादिता में प्रमाण। अभी आदमी बिल्कुल निराश होके जी रहा है, आदमी से पूछो कि क्या धरती ठीक हो जाएगी, अधिकांश लोग विद्या को छोड़ देते हैं तो अधिकांश लोग से उत्तर यही मिलता है कि कितना दिन धरती चलेगी इसको कह नहीं सकते हैं। उसका क्या प्रमाण है, अभी चंद्रमा पे और मार्स के ऊपर जाकर बसने की तैयारी, क्यों, क्योंकि आदमी ने धरती को नकार दिया है, धरती रहने के लिए बनी रहेगी ऐसा नहीं मानते है, है ना। तो इस तरह से हम बिल्कुल आशा खो चुके हैं। अगर आप पूछे समाज से कि क्या हर मानव अच्छे से जी सकता है तो उत्तर मिलेगा कि हर मानव अच्छे से नहीं जी सकता है। मानव का मूल नेचर क्या है, तो मैं कि कुछ आदमी अच्छे होते हैं कुछ आदमी बुरे भी होते हैं, है ना। लाभ क्या है, तो लाभ मानव का एक नेचर है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इस रूप में हम बहुत गहरे से फंसे हुए हैं और ये जो विकल्प है वो हमको उससे बाहर निकालता है, हमारे अंदर एक आशावादिता का संचार, आशा का संचार करता है और इससे हम जो व्यवस्था है जो सहस्तित्व है उसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा सहस्तित्व प्रमाणित होना ही सूत्र है, यही मुख्य बात है। अल्टीमेट बात क्या है, पूरी समझने की बात क्या है, स्थिति गति को समझने से क्या होगा, बल और शक्ति को समझने से क्या होगा, अगर हम नहीं समझते तो क्या होगा बल शक्ति। यदि हम बल शक्ति नहीं समझते हैं, स्थिति गति को ठीक से नहीं समझते हैं तो हम सह अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सह अस्तित्व में ये दोनों साथ में है, स्थिति के साथ ही गति है। कोई एक परमाणु का गठन है
उस गठन के साथ ही उसका आचरण है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो स्थिति क्या है, जैसे दो अंश का परमाणु, उसका दो अंश का एक गठन है, ये गठन अपने में एक स्थिति है, उस गठन के आधार पर उसका एक गति है, गति का मतलब है आचरण। अगर वो गठन बदलता है तो उसका फिर आचरण दूसरा स्वरूप लेता है। ऐसे ही जब अगर हमको एक निश्चित आचरण करना है तो मानव के लिए भी एक निश्चित गठन है। वो गठन क्या है, पहला परिवार का एक गठन, परिवार के गठन के साथ ही है ना हमारा आचरण कोई निश्चित होगा, क्योंकि यदि स्थिति नहीं है तो गति नहीं है। तो हम अकेले में अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो हम स्वभाव गति में नहीं रहते हैं, आवेशित गति में रहते हैं। क्यों आवेशित गति में रहते हैं, क्योंकि एक इकाई का अपना कोई अच्छी कोई निश्चित आचरण नहीं होता है, उस आचरण के लिए एक निश्चित गठन की जरूरत है। तो परिवार एक पहली जो परिवार गठन है, तो परिवार स्वयं में एक स्थिति है और उस परिवार रूपी गठन के अंदर ही हमारा एक कोई निश्चित आचरण हम मानव का दिखाई देता है, ठीक है। और उससे आगे जाएंगे तो उसके बाद का गठन है, परिवार समूह है, फिर गांव है, इस तरह से पूरे विश्व परिवार तक है। तो वहां भी हम एक गठन को देख सकते हैं, है ना। और उसी के अंदर फिर हम मानवतापूर्ण आचरण को देखते हैं, मानवतापूर्ण आचरण से जीते हुए हम सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, उस आचरण से ही अंतवा सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से मुख्य मुद्दा सहअस्तित्व को प्रमाणित होना है। यह सूत्र हर कार्य विन्यास प्रवृत्ति प्रयास क्रिया व्यवहार फल परिणाम के साथ ही सह अस्तित्व मूल्यांकित होना स्वाभाविक है, मूल्यांकन करने वाला मानव ही है। तो एकमात्र इकाई है जो सभी का मूल्यांकन, सभी चीजों का मूल्यांकन सही सही कर सकता है, वो है मानव, ठीक है। सह अस्तित्ववादी अथवा सच्चाई विधि से मानव के प्रमाणित होने की दीर्घ काल से प्रतीक्षा रही है ना। सह अस्तित्ववादी अथवा सच्चाई विधि से मानव के प्रमाणित होने की दीर्घ काल से प्रतीक्षा रही है, यह प्रतीक्षा मानव में ही रही है, यह सार्थक होने के लिए सह अस्तित्ववादी क्रिया प्रणाली का अध्ययन मानव मानवत्व सहित व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए पर्याप्त होना पाया गया, इसलिए उसका इसका उद्घाटन होना आवश्यक रहा। सह अस्तित्व ही परम सत्य है। तो यहाँ पे बात पूरी हो गई है ना, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं है। हमारे सत्य भाई कह रहे हैं कि कोई सवाल करो तो बढ़िया है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप डालिए उसके अंदर, और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जो भी पैराग्राफ पैराग्राफ है उसका एक लिंक बनाते चलना, और उसमें जितनी बातें आती हैं उसको उसको ठीक से रख देना जितना हमको समझ में आया है। और एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि मेरा जो स्थिति है अभी वो एक विद्यार्थी के हैसियत से ही मैं इस बात को रख रहा हूँ, है ना, इस पे मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ऐसा नहीं है। और मैं विज्ञान के बारे में भी जितना बोल रहा हूँ तो मैं विज्ञान का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने स्वप्रेरणा से ही जितना हमको लगता है धीरे धीरे अध्ययन मतलब देखने का प्रयास रहता है, उसी के आधार पे जो भी छोटे मोटे निष्कर्ष हमारे हैं उसको मैं रख रहा हूँ, उसमें गलत होने की संभावना है ना, ऐसा है। बढ़िया, एक हाँ स्पष्ट है तो प्रश्न का औचित्य नहीं, बढ़िया अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, एक मिनट, तो एक बार फिर से आपको साथ लिए चलता हूं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है ना उसको आगे हम लोग ऐसे जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ी हुआ। तो पहला पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि विज्ञान ने जो भी अध्ययन किया बल और शक्ति के बारे में उसको शुरू से ही जानने का प्रयास रहा, लेकिन उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया है ना। आवेशित गति का अध्ययन किया, मध्यस्थ का अभाव, मध्यस्थ जो बल है, मध्यस्थ शक्ति है, मध्यस्थ सत्ता है, मध्यस्थ जो मध्यस्थीकरण है उसको अध्ययन नहीं कर पाया, इस तरह से विज्ञान का अध्ययन अधूरा रहा। बाबा जी यहाँ पे क्या नई बात रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो स्थिति गति के साथ अध्ययन कर रहे हैं, बल और शक्ति के साथ अध्ययन कर रहे हैं, इसके साथ जो मध्यस्थ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि एक
इकाई का स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप इस अध्ययन से स्पष्ट होता है ना। स्थिति कति का मतलब ये स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी है ना। तो इस तरह से अध्ययन हुआ, उस अध्ययन के साथ में रहना वो एक अच्छी निश्चित दूरी से, और इसी के साथ जो इकाई है, इकाई परस्परता को, जो इकाई के चारों तरफ जो प्रभाव क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र के कारण इकाई एक दूसरे को परस्परता में है ना पहचानता है। और ठीक है भैया, मैं क्वेश्चन को लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परस्परता को पहचानता है और परस्परता को पहचान करके फिर उसके आधार पर निर्वाह करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे आया था कि जो भी वस्तुएं हैं अच्छी निश्चित दूरी में, ठोस ठोस के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी है, तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी है, और इसी के साथ जो धरती पे एक व्यवस्था उदय होती है। अभी तक हमने जो देखा वह है पहचाना कैसे है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण की विधि से पहचानते हैं। और जब हम गुरुत्वाकर्षण की विधि से पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम सापेक्षता को ला रहे हैं, और सापेक्षता लाने से हम किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते हैं, और छोटा बड़ा मानने से फिर सारे मानव में द्रोह विद्रोह शोषण है ना युद्ध, इन सारे चीजों को हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा बड़ा को रखने से संपूर्णता ओझिल हो जाता है, संपूर्णता दिखाई नहीं देता है, संपूर्णता दिखाई नहीं देता है तो इससे क्या हुआ, हमारा मूल्यांकन दोष होता है। हम अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन करते हैं, अधिमूल्यन निर्मूल्यन अवमूल्यन करने के कारण हमारे जीने में अति व्याप्ति अव्याप्ति और निर्व्याप्ति दोष है, और उसके कारण फिर सारी समस्याएं हैं। तो उसको उसका निराकरण क्या है, तो उसके स्वरूप में बाबा जी ने फिर सहअस्तित्ववाद का यहाँ पे प्रतिपादन किया है, और उसमें वो विकल्प के स्वरूप में इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन से क्या हुआ, इस अध्ययन से हमको समझ में आया कि सह अस्तित्व रूप में ही प्रत्येक इकाई का अस्तित्व बना हुआ है, और सह अस्तित्व के सूत्र से ही सारी चीजें सूत्रित हैं, उसी से अनुप्राणित हैं, उसी से संचालित हैं, सह अस्तित्व से सब चीजें ओतप्रोत हैं, है ना। और इस सह अस्तित्व के आधार पे ही है ना, और आगे क्या कह रहे हैं, जो फाइनल हमने पैराग्राफ पढ़ा था कि इसके लिए मनुष्य सदा से ही दीर्घ काल से मनुष्य के अंदर मानव के अंदर इसकी प्रतीक्षा रही है, हम सब इसको के लिए प्रतीक्षित हैं ही, और इस प्रतीक्षा के फलस्वरूप आज मानव के सामने सम्मुख है, हम सब के लिए अवसर है, हम आज मानव और मानवत्व का अध्ययन कर सकते हैं, हम स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था हो सकते हैं, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, इसका अवसर हम सबके लिए है। यहां तक हमने पढ़ा। भैया ने प्रश्न किया मानव में निश्चित दूरी को कैसे देखते हैं, है ना। तो कोई इसको भैया मैं लेता हूं थोड़े देर में, या अभी ले लेता हूं। एक तो भैया जब भी हम कह रहे हैं अच्छी निश्चित दूरी क्या दिखता है, कि अच्छी निश्चित दूरी के लिए एक व्यवस्था के अंदर कोई एक, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक कोई इकाई है, इकाई के अंदर
आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण को स्वयं में कैसे चेक करें, दो प्रश्न आ गया। परमाणु में मध्यस्थ को समझ आया, लेकिन क्या परमाणु में सम विषम गुण भी होता है? होता है। अच्छा ठीक है, तीन प्रश्न आ गया। ठीक है, तो दो चीजें या तो प्रश्न अभी ले लेते हैं या फिर प्रश्न ही अभी ले लेते हैं। एक मिनट, मैं अपने देख लेता हूँ मेरे पास समय कितना है। 1, 2, 3, 4। एक काम करते हैं, इस एक पैराग्राफ को और पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरा पिछड़ जाएगा और फिर हम प्रश्न को लेता हूँ मैं। ठीक है, स्थिति गति अपने स्वरूप में दबाव और प्रवाह प्रवाह का संयुक्त रूप है। कुछ मिसाल में दबाव रहते हुए प्रवाह नहीं होता, जैसे धरती के ऊपर पत्थर, धरती के ऊपर तालाब में पानी, प्रवाह दिखाई नहीं पड़ता। धरती के ऊपर नदी में प्रवाह दिखाई पड़ता है। पानी के प्रवाह में दबाव सुस्पष्ट है, दबाव रहता ही है। पानी का प्रवाह ढाल की ओर, ढाल अंततो गत्वा समुद्र तक जुड़ना, इसलिए सभी नदी का पानी समुद्र तक पहुंचना स्वाभाविक विधि से अथवा नियति विधि से सुस्पष्ट हो चुका है। पानी का हर दबाव प्रभाव दूसरे प्रकार के प्रवाह दबाव में परिवर्तित हो सकता है। इसमें से दबाव ही परिवर्तन का प्रधान कारण है। जैसा पानी का वाष्प निश्चित दबाव के उपरांत निश्चित प्रकार के यंत्रों को संचालित करने योग्य हो जाता है, जिसके फलन में चुंबकीय विद्युत को पाया जाता है, इसमें चुंबकीयता दबाव के रूप में विद्युत तरंग प्रवाह के रूप में स्पष्ट होना स्पष्ट हो चुकी है। इससे यह पता लगता है कि कोई भी बल दूसरे प्रकार के बल और प्रवाह का कारक बन सकता है। इस विधि से तैली वस्तु को उष्मित करते हुए अर्थात जलाते हुए कुछ यंत्रों को संचालित करना मानव परंपरा में सुलभ हो गया। ऐसे यंत्रों से भी अनेक प्रकार के कार्य करता हुआ देखने को मिलता है, जैसे धरती पानी हवा में चलने वाले यंत्रों के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे तेल दहन प्रक्रिया से विद्युत पैदा करने वाले यंत्रों को संचालित किया जाता है, फलतः विद्युत चुंबकीय प्रवाह और दबाव होता है। इसी प्रकार विकरणीय द्रव्यों से भी उष्मा उद्गमन प्रक्रिया पूर्वक विद्युत प्रसारी यंत्रों को भी संचालित किया जाना मानव ने अभ्यास किया है। इनके विसर्जन अर्थात खनिज कोयला तेल और विकरणीय द्रव्यों का विसर्जन अथवा अवशेष प्रदूषण का कारण बन बैठा है। इस मुद्दे पर पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसके विकल्प के संदर्भ में भी प्रस्ताव के रूप में पानी के प्रवाह बल की ओर ध्यानाकर्षण किया गया है। इसी के साथ हवा और समुद्री तरंग की ओर भी ध्यान जाना आवश्यक है। सूर्य उष्मा की ओर भी मानव का ध्यान जाना चुंबकीय विद्युत धारा को प्राप्त करने के क्रम में उत्साहित होने की आवश्यकता है, तभी मानव का प्रदूषणकारी नीति विरोधी विकास विरोधी जागृति विरोधी मानव विरोधी धरती के वातावरण विरोधी महा अपराध परंपरा से मुक्ति पाना संभव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं भी लेता हूँ थोड़े देर में। यहाँ पे जो मुख्य बात है कि जो विद्युत है, जिस तरीके से अभी हमारे, एक तो दो बातें, एक तो हमको कितनी ऊर्जा चाहिए और हमारे जो जीने का स्टाइल बन गया है अभी, उसमें क्या हम जिस जो तरीका है जीने का उसमें हम क्या किसी भी विधि से उसको पूरा कर सकते हैं, ये एक बात है। मूल रूप से विद्युत क्या है इसमें, तो विद्या में जो विद्युत कहा जा रहा है वो जो हमने कहा कि इकाई है, इकाई के चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र है और उस प्रभाव क्षेत्र के बीच में, दो प्रभावों के बीच में जो इंटरैक्शन, उसके फलस्वरूप विद्युत है। विद्युत कैसे है कि दोनों इकाइयों के बीच में एक आकर्षण बल है, आकर्षण बल के कारण उसके अंदर एक चुंबकीय धारा बनी रहती है। जो मध्य रहता है वो मध्य घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करने के कारण एक तरह से वो डायनेमो जैसा काम करता है। ये जो चुंबकीय धारा बनी है ऑर्बिट और मध्य के मध्यांश के बीच में, ये चुंबकीय धारा
लगातार विखंडित होती रहती है। इस विखंडन के फलस्वरूप विद्युत होता है और विद्युत विद्युत जो है वो पुनः धारा में बदल जाता है, तो एक दूसरे का कन्वर्जन भी होता रहता है। ऐसे ही अगर हम धरती पे देखते हैं तो धरती पे भी वैसे ही एक चुंबकीय धारा बनी हुई है ना, और धरती के ऊपर भी ये चुंबकीय धारा को हम देख सकते हैं, ठीक है। और विद्युत का मूल स्वरूप यह है कि वो जो धारा है चुंबकीय धारा, उससे हम काट करके या उसको विखंडित करके हम विद्युत को प्राप्त करते हैं। अब जो विधि है अभी तक हमने जो अपनाया वो है, एक तो परमाणु जो न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन है उससे हम निकाल रहे हैं, कोयले से निकाल रहे हैं, है ना, खनिज तेल से निकाला, ये सब जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया उससे मानव काफी परेशानी में आया है। उसका विकल्प क्या दे रहे हैं बाबा जी, बहुत सुंदर विकल्प, वो है प्रवाह बल। और अच्छे बहुत बार उदाहरण भी दिया करते थे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि उस नदी में 1 किलोमीटर तक, है ना, कहीं भी अच्छी जगह 1 किलोमीटर तक अगर हम उसके प्रवाह बल को हार्नेस कर लेते हैं तो पूरे भारत के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो पर्याप्त हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो कई सारी मिसालें देते थे, और प्रवाह बल के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो समुद्री तरंग है और बाकी है उसके साथ भी हम ऊर्जा को, विद्युत को पा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो मानव विरोधी, है ना, प्रकृति विरोधी जो काम है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसमें एक जगह कह रहे हैं महा अपराध, जो सबसे बड़ा अपराध मानव ने किया है वो है परमाणु को तोड़ना। अभी के समय में जो सबसे क्लीन एनर्जी जिसको हम मानते हैं वो है परमाणु में, जो परमाणु के विखंडन से, तोड़ने से जो ऊर्जा मिलती है, जो न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसको सबसे क्लीन एनर्जी मानने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उसको बाबा जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि परमाणु स्वयं एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना ये स्वयं में बहुत बड़ा अपराध है। यह अस्तित्व विधि से स्थिति गति को जांचने पर पता लगता है। जांचने का मतलब परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक निश्चय करने से है कि सभी इकाइयों की स्थिति में बल, गति में शक्ति का प्रकाशन किए रहते हैं। ऐसी स्थिति छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संपूर्ण इकाइयों में समान रूप से होना पाया जाता है। स्थिति गति संपन्न इकाई व्यवस्था व व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना पहले से स्पष्ट हो चुका है। स्थिति में बल संपन्नता का मतलब स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण, गति में शक्ति का मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो स्थिति में बल का मतलब स्वयं में व्यवस्था होना और गति का मतलब है समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना। मूलतः हर इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता होना ज्ञातव्य है। हर इकाई के मूल में परमाणु ही है। मुख्य बात यह है कि इकाई जहां से हम देख रहे हैं वो परमाणु देख रहे हैं, क्योंकि उसी जगह निश्चित आचरण हो रहा है। निश्चित आचरण का मतलब है कि इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। जब हम अंश को देख रहे हैं तो उसमें निश्चित आचरण नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर घूर्णन गति है वो अपने में अनिश्चित है और उसका स्वयं अपने में कोई व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी स्वरूप नहीं होता है, जब तक कि वो किसी परमाणु के अंदर समाहित नहीं हो जाता है। जीवन परमाणु ही भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया के रूप में कार्य करता हुआ स्पष्ट है। तो इस तरह से परमाणु के अंदर तीन तरह की क्रियाएं देख रहे हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। और इन्हीं तीन क्रियाओं के संयोग से चारों अवस्थाओं का प्रकटन है, जिसको हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था कह रहे हैं। जीवन परमाणु अणु बंधन, भार बंधन से मुक्त तथा भ्रमवश आशा विचार इच्छा बंधन से युक्त रहते हैं। अन्य सभी परमाणु जो भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हैं वे सब अणु बंधन, भार बंधन से युक्त रहते हैं। ऐसे अणु बंधन, भार बंधन बस ही छोटी रचना बड़ी रचना के रूप में रचित होना पाया जाता है। सबसे छोटी रचना परमाणु है। परमाणु ही अणु और अणु रचित रचना के रूप में वैभव को प्रकट करते हैं। ऐसे वैभव के स्वरूप सह अस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित रहता है। तो बड़े सुंदर आगे की इसको हम देख सकते हैं कि जो जड़ परमाणु है उसके अंदर भार बंधन, है ना, भार से अनुबंधित रहता है, इसके कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं,
और जुड़ने से उसके अंदर एक अणुबंधन, मतलब परमाणु परमाणु मिलकर के अणु रचना, अणु अणु मिलकर के जो बड़ी रचना है उसको बनाते हैं। इस तरह से हम उसके अंदर अणुबंधन और भार बंधन को देखते हैं। जब जीवन परमाणु बनता है, मतलब जो विकास पूर्वक गठनशील परमाणु गठन पूर्णता को पाता है, उस समय वो वहां से वो गठन पूर्णता के साथ ही भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त हो जाता है और आशा बंधन से युक्त हो जाता है, विचार बंधन से युक्त हो जाता है, इच्छा बंधन से युक्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसे वैभव का स्वरूप सह अस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित है, जैसा एक परमाणु में एक से अधिक अंश होना, एक अणु में एक से अधिक परमाणु होना, अणु रचना में एक से अधिक अणु होना, ये सब अपने आप में सह अस्तित्व सूत्र से अनुप्राणित रहने वाले प्रमाण है। रचनाओं में भौतिक रचना रासायनिक रचना ही होते हैं, इन रचनाओं में एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होना सुस्पष्ट हो चुका है। इन सभी प्रजाति के अणु में स्थिति और गति दोनों की अभिव्यक्ति निरंतर वर्तमान रहती है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, सदा सदा से ये क्रियाकलाप और प्रकाशन वर्तमान ही है। इसलिए मानव इन सब का अध्ययन करने योग्य इकाई के रूप में प्रस्तुत है, इसलिए स्वयं भी स्थिति में व्यवस्था, गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी को मानव को प्रमाणित करना है, तभी मन स्वस्थता का प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत होता है। मन स्वस्थता के बिना मानव में सर्वतोमुखी समाधान होना संभव ही नहीं है, इसलिए मन स्वस्थता मानव के लिए अत्यावश्यक और परम आवश्यक उपलब्धि है। बड़ी सुंदर। तो इस तरह से दिखता है कि इसका जो अध्ययन स्थिति और गति का अध्ययन है ना, कितना आवश्यक है। हम लोग जब बाबा जी से मिलते तो बाबा जी मिलते ही बोलते थे हरि हर, स्थिति गति। कभी भी वो स्थिति गति जब भी है ना अभिवादन भी करते हैं तो स्थिति गति के साथ ही करते हैं। तो स्थिति का मतलब स्वयं में व्यवस्था है ना, बल का मतलब स्थिति क्रिया और शक्ति का मतलब गति क्रिया। यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि जो पूरी बनावट है वो सह अस्तित्व के सूत्र से अनुप्राणित है ना, और सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में ही सारी चीजें सजी हुई हैं। और यदि हम स्थिति गति का ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं तो मानव स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो मन स्वस्थता को प्रमाणित नहीं कर सकता है, हम सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, हम सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो सर्वतोमुखी समाधान का होना तभी संभव है यदि हमारा अध्ययन ठीक से होता है, और अध्ययन को ठीक करने के लिए हमको किसी भी क्रिया को है ना, प्रकृति में जितनी क्रिया है वो स्थिति क्रिया और गति क्रिया दोनों के साथ करना है अध्ययन। ऐसे जीवन के अंदर है जो जब हम आस्वादन क्रिया की बात कर रहे हैं, तुलन क्रिया की बात कर रहे हैं, चिंतन या साक्षात्कार क्रिया की बात कर रहे हैं, बोध क्रिया की बात कर रहे हैं, अनुभव क्रिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये स्थिति क्रिया है। और जब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, संकल्प की बात कर रहे हैं, चित्रण की बात कर रहे हैं और विश्लेषण की बात कर रहे हैं और चयन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम गति क्रिया के रूप में पहचानते हैं। स्थिति और गति के साथ ही पूरी क्रिया है, और जो गति है वो स्थिति से ड्रिवेन है, स्थिति के अनुरूप गति है। गति का मतलब है आचरण, और वो आचरण कहां से निष्पन्न है, वो है स्थिति से निष्पन्न है। इसके बाद यहाँ पे रुकता हूं मैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर, 10 मिनट है, क्वेश्चन आंसर लेता हूं। तो आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण को स्वयं में, ये बाबू सिंह भैया है पूछ रहे हैं कि आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण को स्वयं में कैसे चेक करें। तो भैया देखो, एक तो आकर्षण जो ज्ञान है, हम लोगों ने खुद देखा है, जैसे बाबा जी हैं, ज्ञान है, ज्ञान के प्रति हमारे अंदर आकर्षण होता है, हम सब ज्ञान से आकर्षित होते हैं, जो भी चीज हमको अच्छी लगती है हमारा उसकी तरफ आकर्षण है, है ना। तो जो आकर्षण है वो मध्यांश का है, मध्य का ही आकर्षण है। अभी हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, किस बात से आकर्षित होकर कर रहे हैं, ये मध्यांश का आकर्षण है, ज्ञान का आकर्षण है। अब आकर्षित होने वाली कौन सी चीज है, अगर हम जीवन के अंदर चले जाएं, तो जैसे जैसे हमारा समझ बढ़ता है वो हम देखते हैं कि बुद्धि में जब हमको सच्चाई स्वीकृत होती है, एक तरह से वहां हम आकर्षण को देख सकते हैं, है ना।
और इस आकर्षण के फलस्वरूप और क्या होता है, उसके बाद हम प्रमाण की ओर जाते हैं। तो प्रमाण का हमारे ऊपर जो फल मिलता है उससे हम फिर आत्मा की ओर, हमारे जो बुद्धि है आत्मा की ओर प्रत्याकर्षित होता है। तो जब हम, हमको समझ हुआ, समझ को हम प्रमाणित करने गए, जो भी हमको समझ हुआ प्रमाणित करने गए, उस प्रमाण का हमारे ऊपर कोई फल होता है, उसका कोई रिजल्ट है, उससे फिर हम अनुभव तक पाते हैं। तो इस तरह से जो जो समझदारी है और जो अनुभव है, मतलब बोध है और प्रमाण है, अनुभव है, उसमें आकर्षण प्रत्याकर्षण का रोल है। ऐसे ही जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो समस्या के प्रति हम विकर्षित होते हैं, हम समस्या को बरते नहीं है ना, तो समस्या के प्रति हमारा विकर्षण होता है, समाधान के प्रति आकर्षण होता है, ऐसा हम देखते ही हैं एवरीडे लाइफ में। ठीक है, दूसरा है परमाणु में मध्यस्थ को समझ आया, लेकिन क्या पर एक परमाणु में मध्यस्थ तो समझ में आया, लेकिन क्या परमाणु में सम विषम गुण भी होते हैं? तो होते हैं, सम विषम होता है। किस रूप में होता है? व्यवस्था के रूप में होता है। हम लोग देखा अभी प्रकृति में बहुत सारे आवेश भी हैं, लेकिन वहां पे जो विषम है वो व्यवस्था के अर्थ में है, है ना। यहाँ पे जब हम मानव कह रहे हैं तो व्यवस्था के अर्थ में, जब हम विषम यहाँ पे कह रहे हैं तो एक अलग अर्थ में कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें उद्भव होता है और प्रलय होता है, विभव भी बना रहता है, कोई चीज पैदा होती है वो मरती भी है, उसके अंदर संगठन होता है, विघटन भी होता है, जुड़ना भी होता है, टूटना भी होता है, लेकिन मुख्य बात क्या है? मध्यस्थीकरण, उसका बने रहना, वो जो संगठन विघटन है उसके साथ ही वो बना रहता है ना। तो इस रूप में वो बना रहता है। अगर मध्यस्थ को उसको छोड़कर देखेंगे तो ये कोई आपको स्पष्ट नहीं हो सकता है। हम बहुत सारे तो जड़ प्रकृति में जो आवेश है वो आवेश भी व्यवस्था के अर्थ में है, ऐसा हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जड़ प्रकृति का अध्ययन करके, या प्रकृति जैसे पशुओं का अध्ययन करके, पेड़ पौधों का अध्ययन करके मानव के जीने योग्य कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते हैं। अभी परसों की बात है, हमारे यहाँ तालाब है, तालाब में गीज रहते हैं, गीज आए हैं अभी साउथ से उड़ करके इधर आ गए और बच्चा देने के लिए आ गए। अब हम और आनंदी और देवम जा रहे थे हम लोग, तो क्या दिखता है कि वो जो पक्षी है उसका आपस में लड़ाई चल रही है कि उस तालाब पे कौन रहेगा। ठीक है, अब एक बच्चा उसको अध्ययन करेगा, अब वो तो उस संतुलन के अर्थ में है, लेकिन अगर हम बच्चे को दें और उसका अध्ययन करें तो उसको लगेगा कि प्रकृति में तो लड़ाई चल रही है ना। तो हम जड़ प्रकृति है ना, या पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था में जो जो चल रहा है उसको देख करके कोई निश्चित कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। ये हमारा अध्ययन तभी होता है जब मध्यस्थ क्रिया सक्रिय होती है, मतलब जब एक मानव अनुभव संपन्न होता है और अनुभव पूर्वक जी करके जब हमारे सामने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, जागृति को प्रस्तुत किया, उसके बाद ही मानव का ठीक से अध्ययन हो पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या अंश में आकर्षण को विज्ञान ने भार कहा है, जबकि मध्यस्थ बल अंश को अच्छी निश्चित दूरी में बनाकर व्यवस्था को प्रमाणित करता है। भैया देखो, क्या अंश में आकर्षण को विज्ञान ने भार कहा है? भैया एक तो जो विज्ञान की अवधारणा है, एक पहले बताऊं, मेरा बहुत अध्ययन नहीं है विज्ञान का, जो छोटा अध्ययन उसके आधार पर बताता हूं कि विज्ञान अभी ये तय नहीं कर पाया कि जो पार्टिकल है, जो अंश है, वो अपने में अंश है, सॉलिड मतलब अंश है, या वो अंश भी एक दूसरे में कन्वर्जन होता रहता है। तो उनका बेसिक मानना है कि जो अंश है वो अंश भी होता है, और वो मतलब पार्टिकल भी है और वो वेव भी बन जाता है। कब वेव बनता है? जब वो बहुत तेज गति से जाता है तो वो पार्टिकल ना होकर के वेव बन जाता है, और उसका एक उन्होंने कैलकुलेशन भी कर लिया कि कितना उसको गति देने पे कितना उसका पार्टिकल में क्या हो जाता है। जैसे एक पार्टिकल अगर उसको प्रकाश की गति से करें तो पार्टिकल वेव बन जाता है। अब जो वहां पे
कैसे उसके अंदर भार आता है, अगर वो वेव बन गया तो उसके अंदर कोई भार नहीं है। अब भार बनने के लिए क्या होता है कि वो फिर किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, जिसको अभी 2012 में से ये बात ज्यादा प्रचलित है कि वो एक हिग्स फील्ड है, तो हिग्स फील्ड के अंदर ही एंटर करते ही फिर वो अपने मास को पाता है ना, तो वहां से फिर भार को देख रहे हैं। और वहां पे दूसरी जो बात कह रहे हैं कि जितने भी प्रभाव हैं वो उस प्रभाव को किसी न किसी पार्टिकल के साथ वो जोड़कर देख रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ आकर्षण देख रहे हैं तो वो आकर्षण केवल प्रभाव को देख रहे हैं, एक इकाई है, एक इकाई के चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र है, दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई के चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र है, दोनों इकाइयों का प्रभाव क्षेत्र के साथ एक दूसरे को पहचानते हैं, इससे उसके अंदर आकर्षण है। आकर्षण क्या है, केवल परस्परता में प्रभाव है, अपने में कोई पार्टिकल नहीं है, जबकि विज्ञान ऐसा नहीं देखता है। विज्ञान क्या देखता है, जो जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चुंबकीयता है उसके लिए कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल है वो फोटॉन, ऐसे ही मान लो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है, जो ये इफेक्ट है, उसके लिए भी कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल होना चाहिए, अभी खोज नहीं हुई है, उसको बोल रहे हैं ग्रेविटॉन या कुछ और। तो इस तरह से उसमें एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम यहां पे कह रहे हैं भार, तो भार किसको कह रहे हैं, भार आकर्षण को कह रहे हैं। एक इकाई है, मध्य में है, उसके अंदर ऋणाकर्षण है, जो परिवेश में है उसको धनाकर्षण कह रहे हैं, तो ऋणाकर्षण धनाकर्षण के साथ ही उसके अंदर आकर्षण बना हुआ है। अब हम यदि उस ऋण जो धनाकर्षण है, जैसे मान लो अब उसको अगर बड़े रूप में दें तो धरती और पत्थर है, तो धरती के ऊपर से जब हम पत्थर उतारते हैं उठाते हैं तो उसके बीच में जो ये अट्रैक्शन लगा हुआ है ना, जो आकर्षण है, इस आकर्षण को जो पत्थर वो धनाकर्षण हो गया, धरती ऋणाकर्षण, तो उसके बीच में हमने रोक दिया तो क्या रोका भी, वो आकर्षण बल को हम बेसिकली मेजर कर रहे हैं, उस आकर्षण बल को हम भार कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ भार और वहां भार एक जैसा नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और लोग जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमारे जीवन विद्या में काफी लोग काफी गहरे से विज्ञान का अध्ययन किए, वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। और उसके बाद क्या है, अंशों को निश्चित दूरी में, अच्छा इसके बाद और क्वेश्चन है, मानव में निश्चित दूरी को कैसे देखें, मानव में निश्चित दूरी को कैसे देखें। तो निश्चित दूरी का क्या मतलब है, ये हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से कि निश्चित दूरी से क्या हो रहा है, व्यवस्था में कोई इकाई व्यवस्था में बनी है वो एक अच्छी निश्चित दूरी के साथ ही व्यवस्था में बनी हुई है। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम परिवार में जीते हैं तो वहां पे एक बात आती है, आपने सुना होगा सामाजिक नियम, जिसको हम चरित्र के रूप में पहचानते हैं, है ना। तो सामाजिक नियम में क्या है, स्वपुरुष, स्वनारी, स्वधन, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। अभी क्या हो रहा है समाज में, अच्छी निश्चित दूरी, एक आदमी है किसी के साथ उसका विवाह हुआ है ना, वो उस एक निश्चित, तो पति पत्नी के संबंध में एक अच्छी निश्चित दूरी है, माता और बेटे के बीच में एक अलग ढंग की एक अच्छी निश्चित दूरी है, पिता और पुत्र के साथ निश्चित दूरी है, सभी संबंधों में एक निश्चित दूरी है ना। अगर वो संबंध की दूरी को हम व्यवधान कर दें, मतलब जिसके साथ हमारा, जो हमारी पत्नी है, उस दूरी में कोई और आ जाए, तो उसके कारण काफी समस्या पैदा होती है, और ऐसा हम सामान्यतः देखते भी हैं। तो अच्छी निश्चित दूरी के में बने रहने के लिए जो नियम है उसका पालन करना, और उसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है तो सामाजिक नियमों के पालन से होती है। और ये अच्छी निश्चित दूरी कहाँ प्रमाणित होती है, परिवार में ही प्रमाणित होती है। अभी हमारा क्या है, किसी मानव से बहुत दूरी है, लड़ाई झगड़ा पंगा है ना चल रहा है, बहुत ही ज्यादा दूरी है, किसी मानव से हम बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, तो कहीं मोह है तो बहुत चिपके हुए हैं, शरीर से चिपक गए हैं, और कहीं विरोध है, तो इस तरह से हम मोह और विरोध इस तरह से जी रहे हैं, है ना। जबकि होना क्या चाहिए कि मानव के परस्परता में सात तरह से मानव मानव के बीच में पूरकता है, और वो पूरकताएं सात तरह से पूरकता को आप पहचान सकते हैं, जिसको हम सात संबंधों के रूप में देखते हैं। इन सात संबंधों के साथ ही हमारी अच्छी निश्चित दूरी है। इन सातों संबंधों में एक मौलिक जो मूल थ्रेड है वो है सामाजिक नियमों का पालन, सामाजिकता के साथ ही सारे संबंध जुड़े हैं।
है ना। और ये संबंध किस अर्थ में है, अभी हम जब व्यवस्था के अर्थ में देखते हैं तो अच्छी निश्चित दूरी होती है, और यदि हम ये सारे संबंध शरीर के साथ देखते हैं तो दूरी में गड़बड़ है। अभी लड़ाई कहाँ हो रही है, सारे घर में क्या टूटन हो रही है, क्यों इतने संघर्ष हो रहे हैं, क्योंकि हम इन सारे चीजों को व्यवस्था के अर्थ में नहीं पहचान रहे। जैसे हम बोल रहे हैं हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, हमारा पिताजी है, ये सब अभी हम शरीर के साथ पहचान रहे हैं। शरीर के साथ पहचानते हैं तो दूरी में गड़बड़ होती है, हम अच्छी निश्चित दूरी में नहीं हो पा रहे हैं। किसी के साथ बहुत क्लोज है और किसी के साथ बहुत दूर है, ठीक है। तो जब हम यही संबंध समझदारी की बात, क्या हुआ कि अब हम शरीर के साथ न पहचान करके अब जीवन मुख्य पहचान में आ गई, सहअस्तित्व पहचान में आ गया, मानवतापूर्ण आचरण पहचान में, इसका हमको समझ हुआ। तो समझदारी होते ही अब क्या हुआ, संबंध एक निश्चित व्यवस्था के अर्थ में हमने पहचाना, प्रयोजन के अर्थ में पहचाना, अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में पहचाना। हर संबंध अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में होते ही हम एक दूसरे के साथ पूरकता को पहचान लेते हैं। इस पूरकता को पहचानने के साथ ही हमारा पूरा पहचान पूरा होता है, ठीक है। इस तरह से हम अच्छी निश्चित दूरी में बने रहते। अब आगे हम चलते हैं भैया। स्थिति गति संपन्न इकाई है ना, हम व्यवस्था व व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना पहले ही स्पष्ट हो चुका है। स्थिति में बल संपन्नता का मतलब स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण, गति में शक्ति शक्ति का मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी है ना। मूलतः हर इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता होना ज्ञातव्य है। हर इकाई के मूल में परमाणु है, हर इकाई के मूल में परमाणु ही है, ठीक है। बलराज सिंह मलिक भैया कह रहे हैं व्यवस्थित होने का मतलब व्यवस्था, और व्यवस्था का मतलब है कि स्वयं में व्यवस्था समग्र में भागीदारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो हर इकाई के मूल में परमाणु है, तो परमाणु को मूल इकाई माना गया है इसमें, ना कि अंश को। क्यों बात आई, अंश को क्यों इकाई बोल रहे हैं, परमाणु को क्यों इकाई बोल रहे हैं, क्योंकि अंश में फिर वही बात है कि अंश में व्यवस्था को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। जब भी हम व्यवस्था कह रहे हैं तो वो दो इकाइयों के बीच के तालमेल को या दो से अधिक इकाइयों अंशों के बीच के तालमेल को मिनिमम पहचान रहे हैं, इसलिए परमाणु के लेवल पे ही व्यवस्था को पहचाना जा रहा है ना। और ये जो व्यवस्थित इकाई है इसी को है ना, इसी को इकाई कह रहे हैं। इकाई का मतलब ये व्यवस्था। परमाणु ही भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया के में कार्य करता हुआ सुस्पष्ट है। तो तीन क्रियाओं का वर्णन आ गया, जीवन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। जीवन परमाणु अणु बंधन भार बंधन से मुक्त तथा भ्रमवश आशा विचार इच्छा बंधन से युक्त रहते हैं। अन्य सभी परमाणु जो भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हैं, ये सब अणु बंधन भार बंधन से युक्त रहते हैं। तो जो भी भौतिक रासायनिक क्रिया है उसके अंदर सारे परमाणु के अंदर दो बंधन है। पहला बंधन है भार बंधन, मतलब उसके अंदर भार है, भार अभी बताया। तो भार से वो हर जो जड़ परमाणु है उसके अंदर जो अणु बने उससे बड़ी चीजें बनी वो भार से अनुबंधित है, और इसके कारण वो उसके अंदर अणु बनने की बात है, मतलब एक का दूसरे से जुड़ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके रहता है। अगर आप अस्तित्व में इस तरह से देखेंगे तो कोई स्वतंत्र परमाणु नहीं मिलता है, जैसे हाइड्रोजन कोई स्वतंत्र परमाणु अस्तित्व में नहीं मिलता है, जब भी मिलेगा H2 के फॉर्म में मिलता है, अणु के फॉर्म में मिलता है। ऐसे बाकी CO2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही वो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं मॉलिक्यूलर परमाणु के लेवल, क्योंकि हर परमाणु में अणु बंधन है ही, इसलिए अणु बना के रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीवन परमाणु है वही एक परमाणु है जिसके अंदर कोई भी भार नहीं है और अणु बंधन नहीं है, वो भार बंधन अणु बंधन दोनों से मुक्त रहता है।
उसके अंदर एक नई तरह के बंधन आ गए जिसको हम आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन कह रहे हैं। सबसे छोटी रचना परमाणु ही है ना। सबसे छोटी रचना क्या है? परमाणु है। तो रचना को अगर हम देख रहे हैं, रचना का क्या मतलब होता है, तो हम अंश को रचना के रूप में नहीं देख रहे हैं। फिर से वही बात आएगी, तो सबसे छोटी रचना क्या है? वो है परमाणु। परमाणु से फिर नीचे कोई रचना नहीं है। परमाणु ही अणु और अणुरचित रचना के रूप में वैभव को प्रकट करते हैं। ऐसे वैभव का स्वरूप सह अस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित रहता है। जैसा एक परमाणु में एक से अधिक अंश होना, एक परमाणु में, एक अणु में एक से अधिक परमाणु का होना, एक अणु रचना में एक से अधिक अणुओं का होना, ये सब अपने आप में सह अस्तित्व सूत्र से अनुप्राणित रहने वाले प्रमाण हैं। तो इस तरह से हम सह अस्तित्व को हर जगह प्रमाण स्वरूप में हम देख सकते हैं। हर जगह, एक परमाणु से लेकर पूरा आकाश गंगा तक, उससे भी आगे हम उसी रूप में देख सकते हैं। ठीक है, रचनाओं में भौतिक रचना, रासायनिक रचना ही होते हैं। तो जितनी भी रचनाएं हैं, दो ही तरह की रचनाएं हैं, या तो भौतिक रचना है या फिर रासायनिक रचना है। जैसे हमारा शरीर है वो एक भौतिक रासायनिक रचना है। ठीक है, कुछ रचनाएं भौतिक हैं, कुछ रचनाओं में भौतिक रासायनिक दोनों है। ठीक है, इन रचनाओं में एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होना सुस्पष्ट हो चुका है। तो क्या बात है सारी रचनाओं में? मौलिक बात क्या है? दो बातें। हर रचना में बहुत ध्यान देने की बात है कि जब हम व्यवस्था कह रहे हैं, है ना, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, तो उसमें दो बड़ी सुंदर बात निकल कर आई। उसके अंदर वो उपयोगी है और पूरक है, है ना। हर रचना में ये निहित है, उपयोगी है और पूरक है, और मनुष्य को उपयोगी होना है और पूरक होना है, ये बाकी वाली बात है। इन सभी प्रजाति के अणु में स्थिति और गति दोनों की अभिव्यक्ति निरंतर वर्तमान है। तो क्या कह रहे हैं अब उसके बाद, कि जितने भी प्रजाति के अणु हैं, सब में जो निरंतर वर्तमान है, क्या चीज निरंतर वर्तमान है? वो है स्थिति गति की अभिव्यक्ति। स्थिति गति की अभिव्यक्ति ये निरंतर वर्तमान है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। सदा सदा से ये क्रियाकलाप और प्रकाशन वर्तमान ही है। इसलिए मानव इन सब का अध्ययन करने योग्य इकाई के रूप में प्रस्तुत है। मानव इसलिए अध्ययन कर सकता है यदि आचरण निश्चित है, है ना, और वो निरंतर वैसा ही वर्तमान है, तो इसका अध्ययन निश्चित है। अनिश्चितता का अध्ययन नहीं है। कोई भी चीज जो अनिश्चित है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। यदि वो निश्चित है तो अध्ययन हो सकता है। और हमने अस्तित्व में देखा, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र में भागीदारी है, उस हर इकाई स्वयं में उपयोगी है और अन्य के साथ पूरक है, इसलिए हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्यों अध्ययन क्यों किया जा सकता है। और अभी तक हमने इतना विज्ञान आ गया हजारों साल से, इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाया ठीक से। अध्ययन क्या प्रमाण है उसका? प्रमाण है कि अभी हम मानवीयता को स्थापित नहीं कर पाए। यदि अस्तित्व का अध्ययन ठीक से हो जाए तो मानवीयता उदय हो जाएगी। इसलिए स्वयं भी स्थिति में व्यवस्था, गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी को मानव प्रमाणित करता है, तभी मन स्वस्थता का प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत होता है। बड़ी सुंदर बात है, फिर से आगे हर लाइन इतना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर अनबिलीवेबल, अमेजिंग। तो ये जो अब क्यों परमाणु का अध्ययन किया जाए, क्यों अणुओं का अध्ययन किया जाए, ये क्यों इस सबका अध्ययन करते? क्योंकि इन सब के अध्ययन से ही हमारे अंदर विश्वास होता है कि व्यवस्था है। अभी मानव का अध्ययन करके तो विश्वास नहीं हो सकता। दूसरा क्या बात है कि जब हम हर जगह इस बात को देखते हैं, ये इसी से मानव के अंदर स्वयं में व्यवस्था और समग्र में भागीदारी की बात उदय होती है, और इसके बाद ही मानव के अंदर मन स्वस्थता स्थापित होती है। इसलिए हम जब यहां परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं
और स्थिति गति के साथ बल शक्ति के साथ अध्ययन कर रहे हैं, दोनों को साथ मिलाकर, ना कि केवल शक्ति का या गति का, है ना। वहां बल शब्द है विज्ञान में, ध्यान रखने की, बल शब्द है, लेकिन बल क्या है, धक्का या खिंचाव के रूप में, यहाँ पे धक्का या खिंचाव के रूप में नहीं देख रहे, स्थिति के रूप में देख रहे। तो चूंकि अस्तित्व में व्यवस्था है, उसका अध्ययन हो सकता है, और इस तरह से मानव अध्ययन करके स्वयं में व्यवस्था हो सकता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है, इसलिए मानव में मन स्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत हो सकता है। तो हमारा इस ये जो कर्म दर्शन में हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमारे जो अंदर मन स्वस्थता है, जो हमारा सुख शांति संतोष आनंद प्राप्ति वाली बात है, ये उसी उससे जुड़ा हुआ है बहुत गहरे से। जब तक हमारा उसमें आश्वस्ति नहीं होता है, हम अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, अस्थिरता से, इनस्टेबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मन स्वस्थता के बिना मानव में सर्वतोमुखी समाधान होना संभव नहीं है। तो मन स्वस्थता चाहिए ही चाहिए, यदि हमको सर्वतोमुखी समाधान चाहिए। इसलिए मन स्वस्थता मानव के लिए अत्यावश्यक अथवा परम आवश्यक उपलब्धि है। जो अल्टीमेट नेसेसिटी है आदमी की, वो है मन स्वस्थता। तो हम लोगों ने शुरू किया था विज्ञान का अध्ययन, है ना, अणु परमाणुओं का अध्ययन, और यहाँ पर आते आते किस तरीके से उसका जुड़ाव हम अपने मन स्वस्थता के साथ देखते हैं, है ना? आगे चलते हैं। इसी क्रम में समझदारी के आधार पर मानव अपने में सर्वतोमुखी समाधान रूपी मन स्वस्थता के सूत्र में वैभवित होना स्वाभाविक है। ऐसा वैभव ही अर्थात समाधान संपन्नता ही समृद्धि अभय अस्तित्व को प्रमाणित करने में योग्य हो जाता है, है ना। तो इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं, इस तरह के अध्ययन से ही फिर हमारे अंदर समझदारी की बात, उससे सर्वतोमुखी समाधान से, है ना, जो है वो मन स्वस्थता, और इस समाधान संपन्नता से ही फिर इसी से ही फिर समृद्धि अभय और सह अस्तित्व का प्रमाण हम देख पाएंगे। यही सफलता मानव परंपरा में से के लिए त्राण और प्राण है। त्राण का मतलब स्थिति और प्राण का मतलब गति। इतना सुंदर, फिर से वही स्थिति गति, और हर जगह इस स्थिति गति को बाबा जी साथ में लिए चल रहे हैं। गति में प्रेरणा होना, है ना, गति में प्रेरणा होना। प्रेरणा का क्या मतलब है कि प्रयोजन के अर्थ में प्रेरित होना। सारी गतियां क्या है, प्रयोजन के अर्थ में प्रेरित है, उसके अंदर प्रेरणा है, ठीक है। वातावरण में अथवा प्रभाव क्षेत्र में व्यवस्था प्रमाणित होना। स्थिति में स्वयं व्यवस्था ही वैभव का सार्थक स्वरूप है, जिसमें बहुत चर्चा हो गई। ऐसे वैभव को बनाए रखने में मानव में आशावादी प्रवृत्ति है ही। इसी प्रकार परमाणु में स्थिति में बल, गति में शक्ति का अर्थात प्रभाव क्षेत्र संपन्न होना पाया जाता है। परस्पर प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रहना ही परस्परता में अच्छी दूरी है। ऐसे प्रभावों से संपन्न हर इकाई परस्परता में अपने अपने मौलिकता को बनाए रखने में सफल है, इसी का नाम है नियंत्रण। तो बड़ी सुंदर यहाँ पे है कि इस परस्पर प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रहना, तो उसको कह रहे हैं अच्छी निश्चित दूरी। अच्छी निश्चित दूरी किसको कह रहे हैं, निश्चित अच्छी दूरी किसको कह रहे हैं, ये जो प्रभाव है हर इकाई के हर अंश के चारों तरफ, जो हमने प्रभाव क्षेत्र देखा, इफेक्टिव फील्ड देखा, या एक परमाणु के चारों तरफ या धरती के चारों तरफ, ये सारे प्रभाव क्षेत्र सदा सदा सुरक्षित रहते हैं, इसके अंदर विकृति नहीं होता है, जिसको हमने पहले ही ध्यान आकर्षण कराया था। और मानव भी अच्छी निश्चित दूरी में रहना चाहता है। अभी क्या हो रहा है, इसको मैं भी सोच रहा था ऐसे ही, अब कितना ठीक है सोचना, नहीं ठीक है ना, अध्ययन क्रम में हूं तो ऐसे ही आपको रखता हूं कि हम जब अभी साथ में जीते हैं तो कई बार एक के उपस्थित होने से दूसरे का ऐसा लगता है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। कई लोग बहुत हावी हो जाते हैं और एक ही चमकता हुआ सितारा उसके अंदर दिखता है और बाकी सब उसके अंदर ओझिल हो जाते हैं, जबकि इस इतने ना विशाल अस्तित्व में हर इकाई छोटी से छोटी कण का जो है वो
वो अपना प्रभाव सुरक्षित बना हुआ है, वो अपनी मौलिकता के साथ बना हुआ है। और जब हम बाबा जी को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बाबा जी जैसा इतना विशाल व्यक्तित्व है ना, आप उनकी किताब को एक एक लाइन पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो दिखता है कि क्या विशाल व्यक्तित्व रहा और इतना सुंदर जीना, इतना है ना सार्थक जीना बाबा जी का। उसके सामने हम लोग बहुत ही छोटे छोटे इन द सेंस कि वो रिलेटिविटी के टर्म नहीं, अपनी जो यात्रा है कहां तुलना नहीं है, लेकिन उसी उन्हीं के साथ हमने देखा कि हम सब लोग बड़ी सुंदर ढंग से, हम सब है ना सितारों की तरह झिलमिल करते हुए आगे बढ़े। बाबा जी के साथ रहते हुए अपना ऐसा लगता है, जैसे हमको लगता है, यही मैं सोच रहा था कि हम लोगों का अपना अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें और सुंदरता और ज्यादा खिल करके हम लोग बाहर आए। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि हर सभी का जो मौलिकता बने रहना ना, एक किसी दूसरे को एकदम खा नहीं जाएगा, समाप्त नहीं कर देगा उसका अस्तित्व, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी क्या हो रहा है समाज में कि एक के होने से दूसरे का अस्तित्व खतरे में, कि ये यहाँ पे हम लोग फंस गए। तो उस रूप में भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही मेरा प्रस्ताव है ना, देखने का क्या है। मैं देख रहा था तो मेरा ध्यान गया कि किस तरीके से बाबा जी के साथ, जैसे व्यापक में हर इकाई है ना बिल्कुल अपनी मौलिकता के साथ बनी हुई है, ऐसे ही हम सब बाबा जी के साथ इतने विशाल व्यक्तित्व में बिल्कुल निखर करके, खिल करके बाहर आए, और कभी भी उनके व्यक्तित्व के सामने हमारा जो व्यक्तित्व है वो दबा नहीं, बल्कि और उसके अंदर वो और खिला और ब्लॉसम हुआ और बढ़िया निखर कर आया, ऐसा हमने खुद देखा है। परस्परता में अच्छी दूरी इस तरह से स्पष्ट हुई है कि परस्परता में एक दूसरे का प्रभाव क्षेत्र बना रहे, सुरक्षित रहे। तो एक दूसरे का परस्परता में एक दूसरे का प्रभाव क्षेत्र बना रहे और सुरक्षित रहे, ये बड़ी सुंदर बात कही गई इसके अंदर। यह प्रभाव क्षेत्र व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है, स्थिति भी, आकार, आयतन, घन भी व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है, ये आकार क्रिया सहित ही होना पाया जाता है। हर परमाणु में क्रिया श्रम गति परिणाम के रूप में है, श्रम अपने में यथा स्थिति का वैभव, गति अपने में प्रभाव को फैलाने का वैभव, परिणाम भिन्न यथा स्थिति का वैभव होना पाया जाता है। इस प्रकार हर परिणाम मात्रात्मक व गुणात्मक श्रृंखला में सजा हुआ है। अमेजिंग। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, जो जड़ परमाणु है उसकी उसमें अगर देखते हैं तो एक मात्रात्मक दिखता है, और चैतन्य में जो गठन पूर्ण है उसके अंदर गुणात्मक, और पूरी जो क्रिया है, क्रिया को हम लोगों ने तीन के साथ देखा, श्रम गति परिणाम के साथ। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, इसको हम ज्यादा नहीं लेते हैं, और इसमें बहुत स्पष्ट से लिखा भी है, पहले भी इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। इसी में परिणाम ध्रुव दीर्घ परिणाम के रूप में होना पाया जाता है, ये मुख्य रूप में यथा स्थितियों की स्थिरता अस्थिरता की गणना में स्पष्ट होती है। प्रत्येक यथा स्थितियां सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित होने के आधार पर पूरकता और उपयोगिता पूरकता के अर्थ में सार्थक रहता है। इस प्रकार सभी वस्तु की सार्थकता समझ में आती है। तो हर वस्तु की सार्थकता समझ में आती है, मतलब क्या है कि हर वस्तु पूरकता उपयोगिता के साथ उसका एक प्रमाण और उसकी परंपरा है ना, हर यथा स्थिति। तो जितनी भी यथा स्थितियां आई वो सब यथा स्थिति में क्या देखते हैं, उपयोगिता और पूरकता। तो उपयोगिता पूरकता पूरा थ्रू एंड थ्रू हमको दिखाई देता है। इस तरह से सह अस्तित्व सूत्र से सभी चीजें ब्यूटीफुली सूत्रित है। ठीक, एक अणु का भी ऐसा ही इतिहास है। अब देखिए हर अणु कैसा है, इतिहास वैसे ही इतिहास है। एक अणु दूसरे अणु के साथ भी परमाणु का प्रभाव क्षेत्र संबंधी क्षेत्र नियंत्रण बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़कर पिंड के रूप में हो जाते हैं। तो जब अणु बनता है उसमें एक से अनेक परमाणु साथ में आए, तो हर परमाणु का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बना हुआ है।
ये सुंदर बात है। प्रभाव क्षेत्र को कोई खत्म नहीं कर रहा है। अभी जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सारे पार्टिकल, कल बता रहा था कि पार्टिकल अभी क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर अनिश्चितता है। वो पार्टिकल वेव भी बन सकता है, और पार्टिकल वेव कब बनता है जब उसके अंदर बहुत तेज गति होती है, तो वही पार्टिकल तेज गति पा करके, प्रकाश की गति पा करके वेव बन जाता है ना, पार्टिकल खत्म हो जाता है, और पुनः जब वो वापस किसी फील्ड में जाता है तो उसका गति कम होता है और फिर से वो पार्टिकल के रूप में आ जाता है। इस तरीके से उसके अंदर खाने पीने की जुगाड़ है, और उससे बड़ा खाने पीने को जुगाड़ ब्लैक होल में रखा है। अंत में ब्लैक होल क्या है, सबको खा जाने वाली चीज, उसके अंदर कुछ भी बचना नहीं है, है ना, सारी चीजें उस ब्लैक होल में समाहित होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल है। अब स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल है तो क्या करेगा, वो सबको अपने अंदर ले लेगा। यहां पे क्या दिखा, ग्रेविटेशनल जिसको बाबा जी गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं, है ना, ग्रेविटी कह रहे हैं, वहां पे वो खा नहीं जा रहा है बल्कि एक व्यवस्था को बना रहा है, एक अच्छी निश्चित दूरी में व्यवस्था को सजाए हुए है। किस तरीके से, धनाकर्षण और ऋणाकर्षण के साथ वो सह अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है, उसी उसको ऐसे देख रहे हैं, है ना। तो बहुत सुंदर, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहा। अब ये जो बना हुआ है इसमें मानव ने कुछ नहीं किया है, ये सारे क्रियाकलाप पूरकता और उपयोगिता विधि से जागृति और उसकी निरंतरता तक में सार्थकता को प्रमाणित किए रहते हैं। कहां तक ये सूत्रित है पूरी बात, मानव की जागृति तक, जागृति होने तक ये पूरी बात वैसे ही सजी हुई। सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, है ना, तो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सह अस्तित्व के सूत्र में सूत्रित हैं, अनुप्राणित हैं उसी से। जैसे भौतिक क्रियाकलाप को रासायनिक क्रियाकलाप से, तो भौतिक क्रियाकलाप किससे जुड़ी है, रासायनिक क्रियाकलाप से जुड़ी है। भौतिक रासायनिक क्रिया पे बहुत अच्छी चर्चा हुई होगी जब हम लोग मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे थे, उसके अंदर आया था ये भौतिक क्रिया किसको कह रहे हैं, रासायनिक क्रिया किसको कह रहे हैं, है ना, उसके अंदर क्या जुड़ाव है, वो सब बातें पहले हो चुकी है। तो भौतिक क्रियाकलाप को रासायनिक क्रियाकलाप को जीवों के क्रियाकलाप से, और भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को मानव के क्रियाकलाप से अलग रखते हुए कोई कार्य व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता है, ना ही संपन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से जो भौतिक क्रियाकलाप है जिसको हम पदार्थ अवस्था में देख रहे हैं, उसका जुड़ाव रासायनिक क्रियाकलाप से जिसको हम प्राण अवस्था में मूलतः देख रहे हैं, है ना। पहला रसायन बाबा जी बोलते हैं पानी है, और रसायन का सिंपल सा परिभाषा दिया, जहां दो चीजें जुड़ करके अपने पीछे वाले जो गुण है उसको छोड़ करके नए प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग रासायनिक क्रिया कह रहे हैं। तो पानी सबसे पहला रसायन, तो पूरा पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था जुड़ा हुआ है, और इन दोनों से भौतिक रासायनिक क्रिया से फिर जीव अवस्था जुड़ा हुआ है, और फिर इन तीनों से ज्ञान अवस्था जुड़ा हुआ है। ये चारों जुड़कर हैं, इसके टुकड़े नहीं है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो जब हम पदार्थ अवस्था के धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर अस्तित्व धर्म है, प्राण अवस्था के धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, जब हम जीव अवस्था की बात करते हैं तो उसके अंदर अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा है, और जब मानव के धर्म की बात करते हैं तो मानव का धर्म है अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा के साथ सुख, मतलब सुख सहित जीने की आशा। तो इस तरह से एक से दूसरा लिंक है, और कह रहे हैं कि ये जब तक हम पूरे लिंक को देख नहीं सकते हैं तब तक कोई भी कार्य व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता है। तो कार्य व्यवहार संपन्न करने के लिए सारे का जुड़ाव आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग इसको सारे क्रियाकलाप को एक परमाणु से लेकर के यहां तक को अध्ययन कर रहे हैं, स्थिति गति के रूप में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये सब मानव के साथ अविभाज्य रूप में जुड़े रहते हैं, इनकी मर्यादाएं निभाते ही रहते हैं, इनके साथ मर्यादा निभाने के लिए मानव को जानकारी होने की आवश्यकता है। तो हम उनके साथ कैसे निभ पाए, पदार्थ के साथ, प्राण के साथ, जीव के साथ कैसे निभ पाए, जब हमको उसकी समझ होएगी। अगर हम समझ नहीं होएगी
तो ना तो हम मानव के साथ निभ पाएंगे और ना ही हम शेष प्रकृति के साथ निभ पाएंगे। आगे का पैराग्राफ है, मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए उपयोगी होते हुए मानव मानवेतर प्रकृति के लिए पूरक होने से वंचित रहना ही संपूर्ण समस्याकारी प्रवृत्तियों का आधार रहा है ना। इससे क्रमागत विधि से जो कुछ भी उपलब्धियां मनाकार को सार्थक करने में हुई उसका भी उपयोग सदुपयोग का रास्ता इसीलिए अड़चन में पड़ गया कि मन स्वस्थता का भाग अपने आप में उपेक्षित रहा। बड़ा सुंदर, अगेन हर लाइन इट्स टू ब्यूटीफुल। देख क्या कह रहे हैं कि जो पीछे की तीन अवस्थाएं हैं वो मानव के लिए उपयोगी और पूरक है ना, मानव के लिए उपयोगी है, मानव को उनके साथ पूरक होना है। मानवेतर प्रकृति के लिए मानव जो है पूरक नहीं हो पाया, मानव अभी मानवेतर प्रकृति के लिए पूरकता को नहीं दिखा पाया, ठीक है। इसलिए सारी समस्याकारी प्रवृत्तियां हमको समस्या दिखती है। अब ये कैसे होगा, तो ये कह रहे हैं कि इससे क्रमागत विधि से जो कुछ भी उपलब्धियां मनाकार को सार्थक करने में हुई, तो जो हमने मनाकार को किस रूप में आहार आवास अलंकार है ना, दूर रसन दूर गमन दूर श्रवण के रूप में जो कुछ हमने बनाया उसका भी बहुत कोई उपयोग सदुपयोग ठीक से नहीं हो पाया, जबकि उसका बहुत ही सुंदर सदुपयोग हो सकता है। अभी हम कर ही रहे दूर जो दूर दर्शन दूर श्रवण है उसका बढ़िया सदुपयोग हो रहा है इस क्लास के माध्यम से, तो अभी पीछे क्यों नहीं हो पाया, क्यों अपराध में वो सारे लगे, क्योंकि जो मानव में मन स्वस्थता वाला भाग है, तो मानव की दो परिभाषा मनाकार को साकार करना करने वाला, मन स्वस्थता को का आशावादी या मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला, तो मन स्वस्थता वाले भाग में भी काम नहीं हुआ है, ये मन स्वस्थता को अभी प्रमाणित नहीं कर पाए, इसलिए जो मनाकार रूपी वस्तुएं हैं उसका भी अभी उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता अभी मानव को स्पष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका ज्यादा बड़ा भाग मानव ने दुरुपयोग किया है। हर जगह, चाहे वो आहार हो, कपड़ा हो, मकान हो, फोन हो, कुछ भी हो, सबका जितना हो सकता है उतना दुरुपयोग ही हुआ है, उसका सदुपयोग अभी नहीं आया, ठीक है। और पीछे क्यों नहीं हुआ मानव स्वस्थता, उसके पीछे वाले मत है मानव स्वस्थता इसलिए नहीं हुआ कि अस्तित्व का ठीक से अध्ययन ही नहीं हुआ। अगर अस्तित्व का अध्ययन नहीं हुआ तो मानव के अंदर फिर समाधान की बात नहीं है, और अगर ये नहीं है तो मन स्वस्थता फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए अब कह रहे हैं, इसलिए इस वर्तमान में मन स्वस्थता का अति आवश्यक होना समझ में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ इज हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, सबसे महत्वपूर्ण बात है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड का होना। सह अस्तित्व विधि से ही मन स्वस्थता सरल सुलभ होना पाया जाता है, और उसके लिए एकमात्र विधि है वह सह अस्तित्व विधि, और कोई रास्ता नहीं। तो आदर्शवाद से हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं पाया जा सकता है, मन स्वस्थता को नहीं पाया जा सकता, भौतिकवाद से नहीं पाया जा सकता है। इसके हजारों साल के आप एक्सपेरिमेंट, जो भी रिसर्च हुए, जो भी प्रयोग हुए, जो भी ज्ञान विज्ञान की बात आई उसमें अभी नहीं निकल कर आया। तो सह अस्तित्व ही एकमात्र इसकी विधि, और इससे सर्व सुलभ सभी को उपलब्ध हो सकता है ना। यही सर्व शुभ की संभावना सुस्पष्ट है। मानव अपने में समाधान संपन्नता के उपरांत ही मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ होता है। तो मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए जो मुख्य बात है वह है समाधानित होना, ठीक है। समझ की परिपूर्णता ही मन स्वस्थता का स्वरूप है। तो मन स्वस्थता क्या है, समझ की परिपूर्णता। समझ सह अस्तित्व सह स्वीकृति है। अब समझ क्या है, ये जो सह अस्तित्व है उसकी स्वीकृति है, सह अस्तित्व है ये स्वीकृति ही समझ है। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान स्वीकृति के रूप में स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार हर मानव में निहित है। तो संपूर्ण ज्ञान क्या है, ज्ञान जो वस्तु है वो स्वीकृति में हमारे आता है ना, और उसके साथ ही हम आगे का कोई हमारा रास्ता दिखता है।
और फिर आगे हर मानव कर्म करने के उसके अंदर कल्पना सिद्धता, उसके साथ साथ कर्म स्वतंत्रता है, तो बाबा जी ने उसको भी नहीं है ना हस्तक्षेप नहीं कर रहे, कह रहे स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार हर मानव में है, आपके अंदर अधिकार है, आपके अधिकार में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, आपके अधिकार की बात है आप उसको ना स्वीकारें। स्थिति गति का वैभव, धरती सौर व्यूह अनेक सौर व्यूह आकाश गंगा सभी आकाश गंगा में होना पाया जाता है ना। तो कहां कहां बोल दिए कि धरती पे सौर व्यूह अनेक सौर व्यूह आकाश गंगा सभी आकाश गंगा में स्थिति गति को देख रहे हैं। इसका प्रमाण यह है परमाणु से लेकर धरती तक सभी अपने अपने स्थिति गति में प्रमाणित होने तक अध्ययन गम्य हो जाता है। तो इस तरह से इतना हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, यहां तक अध्ययन हर मानव के लिए सुलभ है, यह सब के लिए सुलभ भी है। इसके अनंतर ऐसे ग्रह गोलों की स्थिति गति की स्वीकृति होती है। अब इतना अध्ययन हो गया, इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, इतना होने के बाद हमारे अंदर सहज उसकी स्वीकृति हो जाती है ना कि ऐसा ही होगा। जब हमने परमाणु देख लिया वैसा ही, अणु देख लिया वैसा ही, सारे है ना प्राण अवस्था में एक एक कोशिका से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक के पूरा इकोसिस्टम, पूरा धरती, पूरा सोलर सिस्टम, इतना अध्ययन हो गया, उसके आगे आकाश गंगा इस सब का अध्ययन हो गया, तो उसके आगे क्या है, उसके आगे वही ऐसा ही होगा, इससे हमारा विश्वास बनता है। अभी हमारा क्या ध्यान है कि वो दूसरे आकाश गंगा में क्या है, वहां पे एक लाइट चमक रही है, तो इस तरह से हम ध्यान जाता है और अपने पास पास जो है उसका ठीक से अध्ययन नहीं हो पा रहा, तो इस तरह से हम फंसे हुए हैं। तो ये अध्ययन का वस्तु है और इस अध्ययन से हम आश्वस्त हो सकते हैं। इसी प्रकार आकाश गंगा भी अनेक सौर व्यूहों का क्रियाकलाप होने के आधार पर स्थिति गति की स्वीकृति होती है। इसी के साथ व्यापक वस्तु की भी स्वीकृति रहती है ना। तो व्यापक वस्तु भी हमारे स्वीकृति में आता है। एत एव स्वीकृति की विशालता में से अपनी आवश्यकताओं को प्रमाणों के रूप में अध्ययन करना मानव की एक आवश्यकता है, ये मानव की आवश्यकता है। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था मानव की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। बड़ा सुंदर, कितना हर लाइन में जबरदस्त। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था मानव की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। जितना आवश्यकता उतना लो ये, है ना। जानने मानने की विशालता व्यापक और अनंत के संबंध में स्वीकार चुके हैं। जानने माने किस अर्थ में है, विशालता व्यापक और अनंत। तो व्यापक जो व्यापक सत्ता है ना, उसको और अनंत जो प्रकृति है, तो व्यापक और प्रकृति के संबंध में हम स्वीकार चुके हैं। तो जानने माने के पूरा जो है उसको व्यापक और प्रकृति, व्यापक जो है स्थिति पूर्ण, प्रकृति स्थितिशील, इस स्थिति पूर्ण में, स्थिति पूर्ण व्यापक में स्थितिशील प्रकृति को अगर हम देखते हैं तो वो सहस्तित्व रूप में दिखाई देता है। सहस्तित्व को देखते हैं तो उसके अंदर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इतना में पूरा फैलाव है ना। व्यापक और अनंत के बारे में जानने मानने के आधार पर किसी एक देशी अध्ययन से, एक इकाई के अध्ययन से ऐसी सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति आश्वस्त होना स्पष्ट हो चुका है। हम एक का अध्ययन करते हैं तो बाकी के साथ हमारा अध्ययन पूरा हो जाता है। हमको जैसे हम लोग अभी भी मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमने एक आंख का अध्ययन किया तो बाकी जितने आंख हैं उसका अध्ययन हो गया, हमको हर आंख निकालने की जरूरत नहीं। वही एक दो किडनी का अध्ययन हो गया, ठीक से किडनी का अध्ययन हो गया तो सारे किडनी के बारे में अनुमान हमको लगता है ना। तो ऐसी सारी चीजें हैं, एक का अध्ययन होने से बाकी का पता चलता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समुद्र के एक बूंद पानी के परीक्षण से पूरे समुद्र का पानी कैसा है इसको हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन जितना है इसको मापने कौन तैयार होता है, इसकी आवश्यकता के अनुसार नापते हैं। तो किसी को नापना होगा तो नापेगा, अगर लगता है कि पूरा ही नहीं, मुझे हर एक बूंद को परीक्षण करना है, करो भाई। समझदारी तो इसी में है कि एक का समझ में आया उसके हिसाब सब सब समझ में आता है, ठीक है।
मानव की आवश्यकता भी सीमित है ना। तो कितना सीमित में हमारा अध्ययन हो जाता है और सीमित हमारी आवश्यकताएं। नापने की क्रियाकलाप के परीक्षण से पता चलता है कि यह जोड़ना घटाना ही है। नापने में 1, 2, 3 ही लगता है, तौलने में भी ऐसे ही 1, 2, 3 लगता है। इसी प्रकार घटाना भी बनता है ना। एक तरफ से जोड़ते हैं, एक तरफ घटता भी है, जुड़ता है तो घटता भी है। जोड़ने घटाने दोनों को मिलाने से यथास्थिति हाथ लगती है ना। तो दोनों तरह से अगर एक पौधा है वो मर गया, झाड़ मर गया, तो पदार्थ अवस्था बन गया, फिर वो किसी में प्राण अवस्था में परिवर्तित हो गया है ना। तो इस तरह से सबकी यथास्थिति बनी रहती है। जैसा है जितना है यही यथास्थिति है। ऐसी यथास्थिति न ज्यादा है, न कम है, न घटता है, न बढ़ता है। यह अस्तित्व से अस्तित्व न इस स्थिति से अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। यह मुख्य बात है जहां पे आने की बात। अस्तित्व में घटना बढ़ना नहीं, इसके अंदर कोई चीज नाश नहीं होता है। इस विधि से अभी क्या हो रहा है विज्ञान में, अगर इसकी तुलना करें तो एक बार बिग बैंग हुआ और अभी पूरा यूनिवर्स एक्सपैंडिंग मोड में है ना। और फिर क्या होगा आगे जाकर के कुछ समय बाद, फिर वो कंस्ट्रक्ट, फिर वो सिकुड़ जाएगा और वापस एक बिंदु में समा जाएगा। यहाँ पे क्या करें, अस्तित्व में घटना बढ़ना नहीं है। इस विधि से हमारी परीक्षण करने की सीमाएं अपनी आवश्यकता पर निर्भर रहना स्पष्ट हो जाती हैं। जोड़ घटाने के क्रम में ऋण अनंत धन अनंत रूपी अर्थ मानव स्वीकार चुका है। जोड़ घटाने का ऋण अनंत और धन अनंत है ना, कितना भी जोड़ सकते हैं, अनंत तक जोड़ सकते हैं और अनंत तक घटा सकते हैं। इस प्रकार से अस्तित्व में अनंत की कल्पना अथवा स्वीकृति कुछ हद तक संख्याकरण न कर पाने के रूप में मानव परंपरा में स्वीकृति हो चुकी है। कितने परमाणु हैं अस्तित्व में, अनंत है। कितने धरतियां हैं, अनंत है। कितने ग्रह गोल नक्षत्र हैं, अनंत है। कितने आकाश गंगा है, अनंत अनंत है, जोड़ते रहिए, अनंत है। तो अनंत प्रकृति क्या है, अनंत के रूप में पहचाना गया है। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी कल्पनाएं हमेशा ही वहां क्या है, वहां क्या, उसके आगे उसके आगे क्या। तो एक लाइन में कह दिया, बड़ी सुंदर। एक तो व्यापक है ना, दूसरा इकाई है और इकाई अनंत है। इस तरह से पूरा सार रूप में हमको समझ में आ गया। अभी तक व्यापक वस्तु का बोध अप्रचलित है ना। ये बहुत सुंदर बात आ रही है कि व्यापक वस्तु का जो बोध है अभी तक वो अप्रचलित है, उसको पहचाना नहीं गया है व्यापक। अभी एक विज्ञान में नया नया आता है कि फील्ड एनर्जी है ना, ऐसा एक शब्द आता है, या फिर कई तरीके से फील्ड नाम से ना वो आता है। तो जो भी फील्ड कह रहे हैं वो फील्ड वो नहीं कह रहे हैं, व्यापक को नहीं कह रहे। ये जो इकाई का आपस में परस्परता में प्रभाव है उसी को वो दूसरे ढंग से नाम दे रहे हैं, फील्ड एनर्जी। अभी तक व्यापक को नहीं पहचाना गया है ना। व्यापक वस्तु का बोध होने के उपरांत अनंत वस्तुएं कैसे हैं उसका उत्तर मिल जाता है। यदि हमको व्यापक वस्तु का बोध होता है तो उस व्यापक वस्तु में अनंत वस्तुएं किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से सजी हैं, उसका भी हमको उत्तर मिल जाता है। एतयो समझदारी रूपी अध्ययन व्यापक में अनंत अविभाज्य होने के अर्थ में सर्वतोमुखी समाधान होने का आधार होना पाया जाता है ना। तो अध्ययन के लिए ये बहुत जरूरी है अध्ययन। इसीलिए हम लोग आज अध्ययन करने योग्य हो गए, हम इसलिए अध्ययन कर पा रहे हैं, इसलिए हम सारे अध्ययन में पूर्णता को भी पालेंगे। इस क्रम में हर इकाई अपनी स्थिति गति के साथ वर्तमान है। फिर से हम लोग वापस आ गए अपनी वहीं पे कि इस पूरे को देखते हैं। तो अगर हम मूल रूप से देखें तो व्यापक क्या है, वो स्थिति के रूप में है और प्रकृति गति के रूप में है, ऐसा भी देख सकते हैं। जब हम प्रकृति के अंदर जा रहे हैं तो प्रकृति हमने क्या देखा, स्थिति पूर्ण है। स्थिति पूर्ण में ही क्रियाएं हैं और हर क्रिया एक स्थिति क्रिया है और एक गति क्रिया है। तो इस तरह से स्थिति गति के साथ ही सारी चीजें वर्तमान है।
और वर्तमान का तात्पर्य वर्तते रहना, हमेशा ऐसे ही वर्तते रहता है, ये ऐसा इसका वर्तना कभी समाप्त नहीं हो सकता है। वर्तते रहने का तात्पर्य है ये क्रियाशील है, ऐसे ही सदा क्रियाशील रहता है। क्रियाशीलता रहने का तात्पर्य है आचरण स्पष्ट है, इसके अंदर एक निश्चित आचरण है। आचरण स्पष्ट रहने का तात्पर्य है कि स्थिति में त्व सहित व्यवस्था और गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। तो फिर से आचरण, फिर वहीं पे आगे हम लोग जहां से शुरुआत किए थे, आचरण। आचरण का मतलब यह है कि स्थिति में त्व सहित व्यवस्था है ना, और गति के स्वरूप में समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसको हम आचरण के रूप में नहीं पहचान रहे, निश्चित आचरण के रूप में नहीं पहचान रहे। यह धरती एक सौर व्यूह सूर्य के साथ जुड़े हुए सभी ग्रह गोलों के समूह में भागीदारी करती हुई समझ में आती है। सभी ग्रह गोल अपने अपने स्थिति गति में अनवरत कार्यरत हैं। एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना सभी एक दूसरे को पहचानते हुए निश्चित आचरण कर रहे हैं और सौर व्यूह की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। तो अगर हम बड़े स्केल पे भी देखते हैं तो यही घटनाएं हो रही, ऐसे ही चीजें चल रही। अब क्या यहां पे करें, बहुत जो ध्यान देने वाली बात है कि एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना, जहां पे अपने को ध्यान देना है, हस्तक्षेप के बिना एक दूसरे को पहचान। तो जब पहचान हो रही तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जो धरती का वातावरण है, जो चंद्रमा का वातावरण है, जो सूरज का वातावरण है, जो मार्स का वातावरण है, जो ये सब सौर व्यूह में साथ में रहते हुए एक दूसरे के जो प्रभाव क्षेत्र हैं, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं और उनके बीच में बहुत दूरी है, तो उस तरह से इनके बीच में जैसे परमाणु के अंदर एक प्रभाव क्षेत्र का दूसरे प्रभाव के क्षेत्र के साथ इंटरेक्शन है, यहां पे उस तरह का इंटरेक्शन नहीं क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे किस रूप में, वो शून्याकर्षण के साथ बने हुए हैं और शून्याकर्षण में रहते हुए वो सभी इकाइयां स्वतंत्र रूप से गतिमान है और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे है ना। ठीक है, इसलिए स्थिति है ही गति भी है। इसी आधार पर धरती की स्थिति गति संबंधी अध्ययन भी हमारे समझ में आना स्वाभाविक है। बोल रहे हैं ये है ही, इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर है और ही भी जोड़ दिया है ना। तो ये है ही ऐसा, और जो है ऐसा उसका अध्ययन हो सकता है, और जो था, अगर हम था के बारे में क्यूरियोसिटी है या होगा के बारे में, हो सकता है के बारे में जो क्रियोसिटी, उसका अध्ययन नहीं हो सकता है क्योंकि है का अध्ययन है, होने का अध्ययन है, और चूंकि है इसलिए हमको समझ में आ सकता है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए हमारे समझ में आ सकता है और एक स्वाभाविक चीज है समझ में आना। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, कठिन इसलिए क्योंकि हमारी अभी कंडीशनिंग एक अलग ढंग से हो रखी है, अदरवाइज ये एक स्वाभाविक ढंग से हमको समझ में आता है क्योंकि हमको स्वीकार होता है सहज सहजता से, इसमें हमको बहुत टेंस नहीं होना पड़ा, उसके साथ लड़ाई नहीं करना पड़ा, इजीली स्वीकार होने वाली बात है। इसी क्रम में एक सौर व्यूह अनेक सौर व्यूह के साथ अच्छी निश्चित दूरी में कार्य विन्यास करते हुए सौर व्यूहत्व के वैभव को प्रकाशित करता है। तो सौर व्यूह भी ऐसा ही करता है, वो भी अपने त्व से व्यवस्था समग्र में भागीदारी। ऐसे अनेकानेक सौर व्यूहों को अथवा ग्रह व्यूहों को आजकल वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा नाम दिया है। आकाशगंगा भी अनेक होना पाया जाता है ना। ये सभी परस्परता में अच्छी दूरी में रहते हुए बड़ी व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से अध्याय पूरा होता है और हमने देखा कि हर एक परमाणु से लेकर जितना दूर तक जाए, जितना बड़ा से बड़ा जाए, हर जगह एक बात कॉमन है और वो है हर इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र में भागीदारी, हर इकाई के अंदर ये मूल बात है। ठीक है, और यदि हर इकाई ऐसा है तो मानव के लिए ये एक सहज कार्यक्रम है, मानव भी स्वयं में
मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। उसके लिए पूरा अस्तित्व सजा हुआ है। हम जहां भी एक उंगली टच करें वही चीज हमको दिखाई देती है, थ्रू एंड थ्रू, हर जगह किसी भी पॉइंट पर टच करिए वही दिखाई देता है। इसलिए ये हम सबके लिए सहज है और ऐसा है, अगर हमको ये समझ में आता है तो हमारे लिए समाधान एक सहज, एक बहुत सामान्य चीज होना चाहिए, है ना। और अगर हम समाधानित होते हैं तो मन स्वस्थता भी हमारा एक सामान्य बात है, इतना ये कठिन बात नहीं। तो ये मुख्य इसके अंदर बात है। ये तो चैप्टर पूरा हो गया, अब इसके बाद दूसरा चैप्टर हम ही को लेना है, परावर्तन प्रत्यावर्तन चैप्टर है, इसको अभी लें या फिर एक मिनट और क्वेश्चन देखते हैं। घटना बढ़ना ऐसा लगता है जैसे जानने से, जलाने से घट जाएगा, पेड़ लगाने से बढ़ जाएगा। सही बात है, हमारे सोचने का ढंग जिस तरह से, तो ऐसा तो अभी लगता है, क्योंकि हम गणित में भी ना जोड़ना घटाना ऐसे ही पढ़ते हैं, हम पढ़ते ही हैं, एक में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, खत्म कर दिए, शून्य ला दिए, है ना। इसीलिए बच्चों को हमारे यहाँ जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा है उसमें जोड़ने घटाने को एक अलग ढंग से बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान जाए कि अस्तित्व में किसी चीज का नाश नहीं होता है। बड़े सामान्य सामान्य उदाहरण से जैसे बच्चों को बताते हैं, हम लोग अपने घर में हमारे बच्चे हैं तो कैसे बताते हैं उनको कि जैसे बेटा मान लो हमारे पास 5 सेब हैं, हमने 2 अपने पड़ोसी को दे दिया, तो हमारे अभी कितने सेब हैं, तो उसको लगता है हमारे पास 3 बचे, लेकिन कुल कितने सेब हैं, अभी भी 5 ही हैं। तो घटाना क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट की बात है, है ना। वो किसी चीज में, तो घटाने में 2 चीज हो गया, एक तो डिस्प्लेस, दूसरा है रूप परिवर्तन। तो घटाने, अब वो जो 2 एप्पल है उसका हमने एप्पल सास बना दिया तो उसका रूप बदल गया, तो रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन को घटाना कह रहे हैं। तो घटाने में या तो रूप परिवर्तन है या फिर स्थान परिवर्तन है, है ना। और चूंकि अभी हमारा अभ्यास अलग ढंग से हो गया है पढ़ने के कारण, इसलिए ऐसा हम देख पा रहे हैं, है ना, जो कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ले भी सकते हैं, राकेश भैया का उसमें एक मैसेज है। तो अगला जो चैप्टर है, थोड़ा सा करूंगा इसको और फिर हम वापस कल रिज्यूम होएंगे, हमारे पास 15 मिनट का समय है, ठीक है। तो 15 मिनट उसको कर लेते हैं और शाम को आपको समय याद दिलाना है। मैं बल संपन्नता है, स्थिति में बल संपन्नता का मतलब है स्वयं में व्यवस्था होना, गति में शक्ति संपन्नता का मतलब है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। तो स्थिति और गति, बल और शक्ति, ये पूरा चैप्टर किस जिस एंगल से लिखा गया वो बेसिकली हम सभी मानव कैसे स्वयं में व्यवस्था हो सकें और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, इसके लिए जो जो भी मुद्दे हैं ध्यान में देने के लिए, वो पूरा इस अध्याय में हम लोगों ने देखा था। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने बात की थी कल, बात हम लोगों ने की थी शुरुआत सहअस्तित्व से। तो जब हम सहअस्तित्व को देखते हैं तो उसमें 2 वस्तुएं हैं, व्यापक है, व्यापक जो है स्थिति पूर्ण है, स्थिति पूर्ण का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा वस्तु उसके अंदर है सहअस्तित्व में, वो है प्रकृति। प्रकृति स्थितिशील है और जो स्थितिशील प्रकृति है उसके अंदर क्रिया है। जो क्रिया है वो 3 तरह की क्रियाएं प्रकृति में हमको देखने को मिलती हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। इन 3 क्रियाओं के योग संयोग से ही फिर 4 अवस्थाओं का प्रकटन है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इन 3 क्रियाओं में जो मुख्य है बात है ना, वो है इकाई, और इकाई में जो मूल इकाई है सारे प्रकृति का वो है परमाणु, और परमाणु जिन छोटे कणों से
बना हुआ है उसका नाम दिया है अंश, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इंग्लिश में जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं तो वहां बहुत सारे पार्टिकल्स का चर्चा है। लगभग अभी 61 तरह के पार्टिकल को उन लोगों ने पहचाना है और शायद आगे भविष्य में और कुछ आ सकते हैं। यहां पे जितने भी पार्टिकल अलग अलग तरीके से नहीं देख रहे हैं, सभी को हम लोग अंश कह रहे हैं, चाहे वो मध्यांश में है या फिर ऑर्बिट में है, तो सारे को अंश कह रहे हैं और सभी अंश एक समान है। उनके अंदर जो गतिविधि में बदलाव है, उनके जो उनके क्रिया में बदलाव है, वो इसलिए है क्योंकि उनका प्लेसमेंट अलग है। अगर कोई अंश मध्य में है तो वो मध्य का काम करता है, मध्यांश का काम करता है, यदि वो ऑर्बिट में है तो ऑर्बिट का काम करेगा। इस तरह से सारे अंश हम लोग इसमें समान देख रहे हैं। जितने भी अंश हैं वो व्यापक में भीगे होने के कारण ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता के कारण उसके अंदर बल संपन्नता है, और जो बल संपन्नता है उसका एक प्रभाव क्षेत्र, हम अंश के चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र देखते हैं। ये प्रभाव क्षेत्र बड़ी सुंदर, इसमें ये बात है कि प्रभाव क्षेत्र कभी विकृत नहीं होता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रभाव क्षेत्र के कारण हर अंश सदा सदा बना रहता है। ये अंश कभी भी व्यापक में विलय नहीं हो सकता है, इसको कोई तोड़फोड़ नहीं सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से व्यापक वस्तु में कोई विकृति नहीं होती है, उसी तरह से इस प्रभाव क्षेत्र में कोई विकृति नहीं होती है, और प्रभाव क्षेत्र के कारण ये जो अंश है सदा सदा सुरक्षित बना रहता है। ऐसे एक से अधिक अंश जब पास में आते हैं तो उनकी परस्परता में ये जो प्रभाव क्षेत्र बना, जिसको हम लोग इफेक्टिव फील्ड बोल सकते हैं, ये जो इफेक्टिव फील्ड बना हुआ है, ये इफेक्टिव फील्ड के कारण एक दूसरे को पहचानते हैं। ये परस्परता में पहचान के कारण उनके परस्परता में हमको एक आकर्षण दिखाई देता है, जिसको हम आकर्षण बल बोल सकते हैं या चुंबकीयता बोल सकते हैं। ये दोनों इकाइयों के बीच में एक चुंबकीय धारा बनी रहती है ना? ये एक बात है। ये जो चुंबकीय बल है वो स्थिति के रूप में हो गया, वैसे ही जैसे अंश के चारों तरफ जो प्रभाव है वो एक स्थिति है। इस अंश में एक गति भी है जिसको हम घूर्णन गति कह रहे हैं। तो एक हो गया अंश के चारों तरफ जो प्रभाव क्षेत्र है वो उसकी स्थिति हो गई, अंश और उसकी स्थिति हो गई, और फिर उसके अंदर घूर्णन गति होना, ये गति हो गया। दो अंश पास में आए प्रभाव क्षेत्र के साथ ही, उनके अंदर एक निश्चित दूरी बन गई, इस निश्चित दूरी के साथ उनका स्वभाव गति में होना है ना। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो दूरी है वो निश्चित है, इसको हम लोगों ने चैप्टर में देखा। तो अच्छी निश्चित दूरी के कारण ही उसमें एक व्यवस्था दिखाई देती है, और यहीं से उसके अंदर एक निश्चित आचरण भी दिखाई देता है। तो जब तक अंश है उसमें घूर्णन गति है, उसका आचरण निश्चित नहीं है। दो अंश आ गए, उसके अंदर घूर्णन गति के साथ वर्तुलात्मक गति, और दोनों के संयोग से कंपनात्मक गति। कंपनात्मक गति से इस परमाणु में एक स्थिरता, और यहां पे हम देख रहे हैं कि उस परमाणु का एक निश्चित आचरण। निश्चित आचरण का मतलब है अब वो परमाणु स्वयं में एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। इस तरह से हम आचरण को देख रहे हैं। निश्चित आचरण का मतलब है स्वयं में व्यवस्था होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। ये जो दो अंश हैं उनका प्रभाव क्षेत्र है, जब वो साथ में मिलते हैं तो उन प्रभाव क्षेत्र में घूमने के कारण उनमें घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण क्या हुआ, ये जो चुंबकीय बल है ना, उसके कारण साथ में आया और घूमने के साथ ही उसमें घर्षण हुआ। घर्षण से उसमें कुछ शक्तियां उदय होती हैं, निष्पन्न होती हैं, जिसको हम ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में पहचानते हैं। ये दो इकाइयों का प्रभाव है। अब इसका तुलना अगर हम साइंस से करें तो साइंस में जो प्रभाव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या विद्युत हो, जो भी हो, उसके लिए कोई एक पार्टिकल को जिम्मेदार मानते हैं। यहां पे हम किसी पार्टिकल को जिम्मेदार नहीं मान रहे। प्रभाव कोई पार्टिकल नहीं है, वो उस पार्टिकल के से निष्पन्न, दो जो इकाई है उससे निष्पन्न हुआ एक प्रभाव है ना। और जो एक जगह से दूसरे के दौड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या हीट के रूप में, वो प्रभाव दौड़ रही है, ना कि कोई पार्टिकल दौड़ रही है।
ये एक मौलिक अंतर को हमको इसमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी जो बात है कि जैसे जब दो इकाई है आपस में जुड़ करके कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो जब निश्चित स्वभाव गति में है तो उसका एक निश्चित ताप है। ताप क्या है? ताप उसके स्वास्थ्य को बताता है। और यदि वो इकाई को हम किसी बाहर के द्वारा दबाव दे करके हस्तक्षेप करते हैं, बाहरी हस्तक्षेप से, तो उसके अंदर फिर हम क्या देखते हैं कि वो आवेशित होता है। आवेश की स्थिति में क्या हुआ, उसके अंदर का ताप बढ़ जाता है। तो यदि वो बहुत नजदीक आ गया तो ताप बढ़ गया, दूर चला गया तो घट गया। ताप का घटना बढ़ना एक तरह से अस्वास्थ्यता है, बीमारी है। हम जैसे अपने शरीर में हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर का ताप ठीक है तो हम कहते हैं स्वस्थ है, अगर हम बीमार होते हैं तो हम देखते हैं हमारा ताप बढ़ गया, हम स्वभाव गति में नहीं है। इसी तरह से परमाणु के अंदर जब परमाणु क्रिया कर रहा है तो वो स्वभाव गति में क्रिया कर रहा है। अब परस्परता में बहुत सारे कण भी हैं, है ना, ये सारे कण मिल करके उसके ऊपर दबाव भी डालते हैं। इस दबाव के कारण कई बार क्या होता है कि जो परमाणु अंश हैं वो मध्यांश के कई बार नजदीक आने लगते हैं। यदि ये नजदीक आते हैं तो मध्यांश उस पर एक विकर्षण का बल लगाता है, जिससे वो ऑर्बिट में रहने वाले पार्टिकल के अंदर प्रत्याकर्षण, उस विकर्षण का एक रिस्पांस प्रत्याकर्षण के रूप में होता है और वो पुनः अपने स्वभाव गति में निश्चित अच्छी निश्चित दूरी में या निश्चित अच्छी दूरी में फिर गति पथ पे आ जाता है। ऐसा ही कई बार अगर दूर जाता है तो उसके अंदर आकर्षण कम हो गया और आकर्षण कम होने की स्थिति में जो मध्यांश है उसके ऊपर एक आकर्षण बल लगाता है। ये जो आकर्षण बल लगाया उसके रिस्पांस में जो ऑर्बिट में जो दूर जा रहा था उसमें एक प्रत्याकर्षण बल लगता है और पुनः वो अपने कक्षा में वापस आ जाता है और स्वभाव गति में बना रहता है। इस तरह से हम देखते हैं। हमारे विपिन भैया ने कल एक प्रश्न पूछा था कि उनका प्रश्न मैं ले लेता हूँ, विपिन भी आ गए हैं इसलिए मैं उस प्रश्न को रोके रखा था कि मध्यांश में नेगेटिव और परिवेश में पॉजिटिव, जबकि मतलब मैंने बोला महेंद्र भैया जी ने बताया कि मध्यांश में नेगेटिव और परिवेश में पॉजिटिव, जबकि साइंस इसका उल्टा बताता है। उन्होंने भार को समझाते हुए दो दो बार बोला था, कृपया आज के सेशन में इस पर प्रकाश डाल, ऋणाकर्षण तथा धनाकर्षण को समझाते हुए बताया। तो भैया एक तो जब हम ऋणाकर्षण कह रहे हैं, धनाकर्षण कह रहे हैं, और विज्ञान में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है कि चार्ज है उसमें, कह रहे हैं ना आवेश है, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है ना। यहां पे हम धनावेश ऋण आवेश उस संदर्भ में नहीं कह रहे, यहां पे क्या कह रहे हैं, एक अट्रैक्शन का नाम है नेगेटिव अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन का नाम है पॉजिटिव अट्रैक्शन का नाम दे दिया, कुछ और भी नाम दिया जा सकता है उसको। ऋणाकर्षण को आप गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं और जो धनाकर्षण उसको लघुत्वाकर्षण कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ऋणाकर्षण का क्या है मतलब है ऐसा आकर्षण जो अपने में ज्यादा स्थिर है ना, जिसके अंदर स्थिरता ज्यादा है उसको ऋणाकर्षण बोल रहे हैं। और स्थिरता होने के कारण क्या होता है कि वो अपने आसपास के जो परिवेश है उसके कण को, उन कणों को आप अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। धनाकर्षण क्या है, तो धनाकर्षण का मतलब है किसी की ओर आकर्षित होना, और ऋणाकर्षण का मतलब यहां पे है किसी को आकर्षित करना, है ना। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा देखते हैं तो जो लघुत्व है उसको अपनी, गुरु का मतलब है बड़ा, लघु का मतलब है छोटा, तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व मतलब बड़ा, जो बड़ा आकर्षण है उसको कह रहे हैं लघु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं। ये जो लघु को आकर्षित करता है उसी का नाम है, उसी गुरुत्वाकर्षण का दूसरा नाम दिया है ऋणाकर्षण। तो धनाकर्षण ऋणाकर्षण, और एक और आकर्षण है जिसको बाबा जी शून्याकर्षण कह रहे हैं, जिसको विज्ञान ने अभी पहचाना नहीं है। शून्याकर्षण की स्थिति में सारे जो इकाइयां हैं स्वतंत्र है ना, ऐसा है। तो इस तरह से
धनाकर्षण, ऋणाकर्षण और शून्याकर्षण की बात है। अगर है आपको उदाहरण देखना है, जैसे ये मेरा मान लीजिए फोन है, इसको मैंने ऊपर उठाया हुआ है, तो ये जो फोन है ना, ये नीचे की ओर जा रहा है और धरती है, तो धरती इस समय ऋणाकर्षण की स्थिति में और फोन जो है धनाकर्षण की स्थिति में। इसको बीच में हमने रोक लिया और उसको हमने नाप तोल कर लिया, जिसको हम भार की संज्ञा दे रहे हैं। तो भार क्या है? भार बेसिकली इस आकर्षण को ही हम नाप तोल कर रहे हैं। मास एक अलग चीज है। अब जैसे ये फोन है, इसका यहां पे मास जो है, अगर हम इसको चंद्रमा पे ले जाते हैं तो चंद्रमा पे इसका भार अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि भार आकर्षण से है और आकर्षण जो है परस्परता से है, और परस्परता लघुता और गुरुता से है। तो धरती का जो पूरा क्षेत्रफल है और चंद्रमा का जो पूरा एरिया है, चंद्रमा का एरिया थोड़ा छोटा है, तो छोटा होने के कारण वहां पे क्या होगा, साइज बदल गया, इसलिए वहां पे जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम लगेगा, इसलिए भार इसका कम होगा। अगर इसको हम जुपिटर पे ले जाते हैं तो इसका भार बहुत ज्यादा हो जाएगा, परंतु उसके मास में कोई बदलाव नहीं होगा। ये मुख्य बात है। तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं भैया, बिहारी भैया है ना, हाँ विपिन बिहारी भैया है, तो विपिन भैया जब हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं तो उसके साथ आप आकर्षण बल लगाइए। धनाकर्षण मतलब पॉजिटिव अट्रैक्शन और नेगेटिव अट्रैक्शन, और जब विज्ञान कह रहा है उसके साथ आप लगाइए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब विज्ञान क्या मानता है कि जो नाभिक है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, जिसको अभी 1960 के बाद लोगों ने नाम थोड़ा बदल दिया अभी प्रोटॉन का, उसको अप क्वार्क के रूप में पहचानते। तो जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है उसके ऊपर पॉजिटिव देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी इकाई के ऊपर, बाबा जी क्या देख रहे हैं, कोई भी इकाई जब वो स्वतंत्र है, जब हमने उस पर कोई दबाव लगाया, बाहर से हस्तक्षेप किया, तब वो पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ। यदि हम उस पर कोई आवेश मतलब कोई बाह्य हस्तक्षेप आरोपित नहीं करते हैं, तब क्या होगा, उस परमाणु में कोई आवेश नहीं है। तो इस तरह से परमाणु के अंदर जो अंश है उस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वो एक स्वभाव गति में कार्य करता है। बाहर का हस्तक्षेप होने पे ही वो फिर आवेशित होता है। आवेशित गति का अध्ययन हम विज्ञान में कर रहे हैं, तो विज्ञान ने अभी तक आवेशित गति का अध्ययन किया है, इसलिए ठीक से अध्ययन हो नहीं पा रहा है। जब बाबा जी इसी परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं तो वो एक आवेशित गति में नहीं बल्कि स्वभाव गति में कर रहे हैं। अब विज्ञान ने आवेशित गति में अध्ययन करने का रीजन ये है कि विज्ञान ने जब परमाणु को समझा, उसके पीछे का मूल जो प्रयास है कि वो सबसे फाइनल इंडिविजिबल इंडिविजिबल मतलब अविभाज्य ऐसा कण जो उसके बाद उसका कोई टुकड़ा ना हो सके, ऐसा कोई कण पाने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। लंबे प्रयास के बाद उन लोगों ने एक परमाणु पाया था जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद लगभग 101 साल पहले उसको तोड़ा गया, वहां से दिखा कि नहीं, परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं, उससे और टुकड़े हो सकते हैं, उसके और टुकड़े हो सकते हैं, तो सबसे अंतिम टुकड़ा क्या है ये खोजने का प्रयास है। जबकि यहाँ पे क्या है कि सबसे अंतिम टुकड़ा खोजने की बात नहीं है, है ना, यहाँ पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का मौलिक इकाई क्या है, मूल इकाई क्या है, उस मूल इकाई के रूप में परमाणु को पहचाना गया, ना कि अंतिम टुकड़े के रूप में इसकी खोजबीन हुई, है ना। तो बाबा जी का पूरा अध्ययन व्यवस्था के अर्थ में अध्ययन है, और व्यवस्था के अर्थ में परमाणु को पहचाना। जब हम अंश की बात करते हैं तो अंश व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है स्वयं में। अंश तभी व्यवस्था में है जब वो दूसरे अंश की परस्परता में आता है, इसीलिए अंश व्यवस्था के लिए प्रेरित है परंतु उसका आचरण निश्चित नहीं है, है ना, उसका आचरण निश्चित नहीं है। जब हम परमाणु की बात करते हैं तो वही दो अंश आपस में मिलकर के एक निश्चित व्यवस्था को बना लेते हैं। अब वहां पे क्या देखते हैं कि अब वो इकाई का आचरण निश्चित है ना,
यदि आचरण निश्चित है, इसका क्या मतलब हुआ कि उस इकाई में, अब वो इकाई स्वयं में त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, तो इस रूप में पहचाना गया। इसको हम लोगों ने कल देखा था। हम लोगों ने यह भी देखा कि जो भी क्रियाएं हैं उसमें एक स्थिति क्रिया है और गति क्रिया है। कोई भी क्रिया है उसके अंदर स्थिति है, गति है। जैसे हमने बोला कि मान लो एक परमाणु है, उसके अंदर अंशों का गठन है, दो अंश का एक गठन है, चार अंश का एक गठन है, बीस अंश का एक गठन है। ये जो गठन क्रिया है ये स्थिति क्रिया है, और इस स्थिति क्रिया के आधार पर उसकी कोई गति है। कोई भी गति है उसके पीछे एक स्थिति है, स्थिति से ही गति है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने उसके पीछे जब देखा तो उसमें क्या देखा, चुंबकीय बल है, वही स्थिति है। जब हमने उसको परस्परता में उसका प्रभाव देखा शक्ति के रूप में, तो विद्युत ध्वनि ताप को दिखाई दिया। उसके नीचे गए और अंश के नीचे गए तो अंश का जो प्रभाव क्षेत्र है वो स्थिति के रूप में है, उसके अंदर घूर्णन जो है वो गति के रूप में है, जब घूर्णन कर रहा है तो गति के रूप में है। इस तरह से हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, उससे बड़े, चाहे जितना बड़े जाएं, हर जगह स्थिति और गति के रूप में ही क्रियाएं हैं। स्थिति के समय उसको हम बल बोल रहे हैं, है ना। स्थिति क्रिया का मतलब है बल, और गति उसको शक्ति बोल रहे हैं, है ना। इस तरह से है, जीवन में भी वैसा ही है। जीवन में के अंदर जो मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है, ये सब बल की क्रियाएं हैं, जिसको हम आस्वादन, तुलन, चिंतन, है ना, बोध और अनुभव के रूप में पहचानते हैं। और जब हम गति क्रिया को देख रहे हैं, शक्ति को देख रहे हैं, तो शक्ति क्या है जीवन में, जीवन में शक्तियां हैं जिसको हम प्रमाण, संकल्प, इच्छा, विचार, आशा, उस रूप में पहचान रहे हैं। इसको हम शक्ति के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से स्थिति और गति, बल और शक्ति अविभाज्य है। स्थिति बल जो है स्थिति के रूप में जब हम देखते हैं तो उससे वो इकाई स्वयं में व्यवस्था है, और जब हम शक्ति के साथ देखते हैं तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। ये मोटा मोटा हम लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग, हम आपको एक दो मेरे उत्तर हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो अब जो प्रश्न आएगा मैं बाद में लेता हूँ, बाद में चेक करूंगा उसको टुवार्ड्स द एंड। हो सकता है कि हमारे विपिन जो भैया हैं उनका प्रश्न का उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन था दीदी का, किसका था मैं भूल गया, नाम नहीं लिख पाया। उसमें वो पूछ रहे हैं कि ये जो लिखा है, हर कार्य विन्यास, प्रवृत्ति, प्रयास, क्रिया, व्यवहार, फल, परिणाम के साथ ही सहअस्तित्व मूल्यांकन होना स्वाभाविक है। ये क्या है, प्रयास क्या है, क्रिया क्या है, व्यवहार क्या है, फल परिणाम क्या है, प्रवृत्ति क्या है, इसको पूछ रहे हैं। तो बेसिकली जब हम प्रवृत्ति की बात कहते हैं तो मानवीयतापूर्ण मानसिकता की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, ये जो क्रियाएं हैं परावर्तन होने के पहले की जो स्थिति है उस, वो हमारी प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। उसको हम प्रवृत्ति के रूप में पहचान रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रयास, प्रयास किस लिए है, जागृति और विकास के, ठीक है, सारे प्रयास जागृति और विकास के लिए। क्रिया, क्रिया किसको कह रहे हैं, जैसे हमारे जीवन में जो क्रिया विचार है, विचार को एग्जीक्यूट करना, विचार को आकार देना, उस विचार को आकार देने के लिए हम कोई क्रिया करते हैं, है ना। और सारा जो है उसको हम लोगों ने देखा था, एक है मनाकृति और एक है उसका मनाकार को साकार करना। तो जो अंदर विचार पक्ष में चल रहा है उसको आकार देने का जो काम है, उसके लिए जो श्रम नियोजन है, उसके लिए जो हम करते हैं उसको क्रिया बोल रहे हैं। व्यवहार, मानव जो है इंटरेक्ट करता है यहाँ पे किससे, मानव के साथ करता है, प्रकृति के साथ करता है, उसके साथ करता है यहाँ व्यवहार थोड़ा बड़े शब्दों में। फल परिणाम, ये जो मानव के साथ किया और प्रकृति के साथ जो भी व्यवहार हुआ उसका कोई एक रिजल्ट आया, उसको हम अखंडता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से सहअस्तित्व को मूल्यांकित
होना, मतलब हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम अधिमूल्यन और मूल्यन से मुक्त हो सकते हैं और सही मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसा मूल्यांकन? सह अस्तित्व के परिपेक्ष में सटीक मूल्यांकन इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई थी इतना। आगे मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने लास्ट का पढ़ा था वो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ था, उसको मैं दो चार लाइन पहले से पढ़ देता हूँ और अंश का एक क्वेश्चन और आया है ना? अंश का आचरण क्यों निश्चित नहीं है, उसे प्रकाश डाले भाई। अच्छा, तो ठीक है भैया, अभी हमने बताया, उसको ले लेता हूँ, दो मिनट का ही प्रश्न है। देखिए भैया, निश्चित आचरण किसको कह रहे हैं? निश्चित आचरण का मतलब है कि कोई इकाई स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में भागीदार। जब कोई अंश जो है अकेले, मान लीजिए वो किसी इकाई में नहीं है, अभी किसी परमाणु में नहीं है, वो केवल घूर्णन गति करता है, तो ये जो घूर्णन गति करता हुआ, ऐसे कुछ कुछ अंश हैं अस्तित्व में, ये जो घूर्णन गति करता हुआ अकेला अंश है वो किसी के साथ अभी व्यवस्थित नहीं हो पाए, उसका जो गति है वो रैंडम है, अनिश्चित है। इसमें जो निश्चितता है उसमें दो चीजें चाहिए, एक कोई चीज मध्य में होना चाहिए और एक परिवेश होना चाहिए। तो स्थिरता के लिए उसके अंदर घूर्णन गति का होना, वर्तुलात्मक गति का होना और उन दोनों के संयोग से कंपनात्मक गति का होना, तीन गतियों के साथ ही उसके अंदर कोई एक निश्चित गति की बात आती है। जब हम अंश देख रहे हैं तो उसके अंदर, अकेले अंश के अंदर ये तीनों नहीं होता है, केवल घूर्णन गति होता है। कि जब तक एक से ज्यादा, मतलब दो अंश नहीं आ जाते हैं, तब तक घूर्णन, वर्तुल, कंपनात्मक तीनों गतियां नहीं आती। यदि तीनों गतियां नहीं आई तो वो जो इकाई है उसका रैंडमनेस बना रहेगा, वो स्वयं में व्यवस्था नहीं हो पाता। हमने जो अभी व्यवस्था के रूप में पहचाना है, सबसे छोटी जो इकाई है वो है हाइड्रोजन का परमाणु। तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक निश्चित व्यवस्था दिखता है, उसका एक निश्चित ताप, उसके अंदर ध्वनि जो भी है उसका हम लोग पीरियाडिक टेबल में लिखते हैं सारा प्रॉपर्टीज, तो वहां पे एक निश्चित प्रॉपर्टी को हम दिखा पा रहे हैं हाइड्रोजन के स्तर पे या कार्बन के स्तर पे, ना कि अंश। अंश का अपना स्वरूप कुछ वैसा नहीं होता है। अंश में है क्या? वो स्वयं में व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवस्था के लिए उसके अंदर प्रेरणा है, वो व्यवस्था में होना चाहता है, और इसीलिए जो अंश के चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र है वो उस प्रभाव क्षेत्र के कारण एक दूसरे के परस्परता को पहचानता है। परस्परता को पहचान करके जब तक वो सहअस्तित्व में नहीं आया, मतलब जब तक दूसरी इकाई के साथ नहीं आया, उसके अंदर कोई व्यवस्था नाम की चीज होती ही नहीं है। व्यवस्था कहते ही आपको, व्यवस्था शब्द का मतलब ही है कि